हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिवीजन की तैयारी करा रहा हूँ। इसमें मैं तीन मटेरियल बेसिकली यूज़ करूँगा, एक स्टडी मटेरियल ICAI का, एक ICAI का रिवीजन मॉड्यूल और एक मेरे हैंड रिटन नोट्स। इन तीनों के बेसिस पे मैं आप लोग को रिवाइज़ कराऊँगा। जो पूरा का पूरा चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेरियंस एनालिसिस, क्योंकि इसमें हम लोग चार टाइप के वेरिएंस को एनालाइज करते हैं। उनका नाम है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वी शुड स्टार्ट विद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका मीनिंग और फॉर्मूला ये इस शीट में लिखे हुए हैं। बट इस फॉर्मूले में जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, इन सब वर्ड्स का क्या मतलब होता है, ये मैं अपने नोट्स में से आपको दिखाता हूँ। देखिए बेटा, स्टैंडर्ड प्राइस से शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल का एक यूनिट या एक केजी नॉर्मली किस प्राइस पे अवेलेबल है मार्केट में। दो वर्ड को ध्यान रखेंगे, नॉर्मल प्राइस, रॉ मटेरियल के एक केजी का नॉर्मल प्राइस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्राइस। सिंपली ये वर्ड्स में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट वर्ड है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। पहले मैं आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी समझाने के पहले एक वर्ड सिखाऊंगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ये वर्ड का क्या मतलब, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब प्रोडक्ट के एक यूनिट को बनाने में कितने केजी रॉ मटेरियल यूज होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। जबकि जो हमको फॉर्मूले में वर्ड यूज करना होता है ना, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थोड़ा बड़ा वाला रहता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन एक्चुअल आउटपुट, यानी जितने यूनिट आउटपुट बने, जितने प्रोडक्ट के आउटपुट बने, उन प्रोडक्ट्स को बनाने में टोटल कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखिए दोस्तों, पहले आपको ये सीखना चाहिए या ये जानकारी होनी चाहिए कि एक यूनिट प्रोडक्ट को बनाने में कितने यूनिट रॉ मटेरियल लगते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे एक शर्ट को बनाने में चार बटन्स लगते हैं, एग्जांपल, दैट फोर बटन्स विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। बट टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है दैट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल should have been used in total output of product. Now, in our example, if we produce 100 shirts, then 100 shirts will be called output. 100 units will be called output of product. And in 100 shirts, how many buttons should have been used? The answer will be 100 output into 4 buttons per shirt. Therefore, the formula of total standard quantity is स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट इज फोर बटन्स पर शर्ट इंटू टोटल आउटपुट क्वांटिटी, दैट इज 100 शर्ट्स। सो द आंसर विल कम एट 400 बटन्स। नेक्स्ट थर्ड चीज जो अपने को सीखनी है वो है एक्चुअल प्राइस पर केजी। ये इसका मतलब इसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी क्या था बेटा? स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी था कि रॉ मटेरियल के एक यूनिट का या एक केजी का नॉर्मल प्राइस, और एक्चुअल प्राइस पर केजी का मतलब होगा रॉ मटेरियल के एक केजी का रियल प्राइस या एक्चुअल प्राइस जो हमको पे करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड AP, एक्चुअल प्राइस। किसी किसी क्वेश्चन में अगर एक्चुअल प्राइस नहीं दिया हो तो वो कैसे निकल सकता है? आपको सारे के सारे रॉ मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट दी होगी, दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज से। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 केजी रॉ मटेरियल के लिए 50,000 रुपीज पे किए, देन 50,000 विल बी टोटल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, एंड यू इफ यू डिवाइड इट बाय द टोटल क्वांटिटी परचेज्ड, दैट इज 1000 केजी, यू अराइव एट 50 रुपीज पर केजी, दैट इज एक्चुअल प्राइस पेड। फोर्थ और लास्ट वर्ड, एक्चुअल क्वांटिटी। ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है बेटा। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब जो आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया उसमें सच में कितने यूनिट्स रॉ मटेरियल लगे। सपोज बेटा,
जो 100 शर्ट्स हमने मैन्युफैक्चर की उसमें कायदे से तो आइडियली तो 400 बटन्स लगने चाहिए थे, बट ड्यू टू सम मिस्टेक ऑफ ऑपरेटर 420 बटन्स लग गए. देन दैट विल बी कॉल्ड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड. हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ बीन यूज्ड इन द एक्चुअल प्रोडक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ बीन यूज्ड इन एक्चुअल आउटपुट ऑफ FG इज कॉल्ड टोटल एक्चुअल क्वांटिटी. अब सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू करते हैं. इस चैप्टर में अच्छा करने के लिए ना बेटा अपने को फॉर्मूले में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. मैं आपको फॉर्मूला याद कराता हूँ. सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का. दिस इज द मेन वेरियंस. इसमें हम लोग कंसेप्चुअली बात करूँ तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से कंपेयर करते हैं. बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है. दैट इज SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ. यानी अगर मैं इसे बोलूँ तो ये जो स्टैंडर्ड प्राइस सिखाया था ना आपको, SP इंटू SQ, जो फॉर्मूले में 1 और 2 और फिर 3 और 4, इन दोनों का डिफरेंस. SP इंटू SQ स्टैंडर्ड प्राइस पर KG इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल माइनस एक्चुअल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर KG इंटू एक्चुअल क्वांटिटी. कंसेप्चुअली SP इंटू SQ गिव्स यू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. यानी जितना भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए था उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए थी आइडियल सिचुएशन में, दैट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. एंड एक्चुअल प्राइस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब जितना रॉ मटेरियल सच में यूज़ हुआ उसकी जो प्राइस थी सच में, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का डिफरेंस. अब बेटा एक बात याद रखेंगे, अगर इस वेरियंस का जो डिफरेंस है वो फेवरेबल आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो वेरियंस को फेवरेबल कहते हैं, और अगर जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा तो उसको एडवर्स कहते हैं. ये सब के रीज़न मैं क्लास में बता चुका हूँ, मैं रिवीजन वीडियो में ये सब नहीं बोलना चाहता. फिर प्राइस वेरियंस का फॉर्मूला सीखते हैं. अब दोस्तों प्राइस वेरियंस के फॉर्मूले में ऐसे याद रखो कि प्राइस का डिफरेंस लेते हैं. प्राइस का डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और मल्टीप्लाई करते हैं बाहर एक्चुअल क्वांटिटी से. फॉर्मूला याद रख लेंगे बेटा, SP माइनस AP ब्रैकेट के बाहर AQ, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस में क्वांटिटी के डिफरेंस को अंदर लेते हैं बेटा. क्वांटिटी के डिफरेंस को SQ माइनस AQ और मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से. अब एक लास्ट चीज़ सीख जाइए, इन केस मोर देन वन रॉ मटेरियल इज यूज्ड देन वी हैव टू कंप्यूट सब वेरियंस अंडर मटेरियल यूसेज वेरियंस. यानी अगर क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपको यूजेज वेरिएंस के अंदर 2 सब वेरिएंस और कैलकुलेट करने पड़ेंगे. उसे कहते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस. इन दोनों वेरिएंस का फॉर्मूला इस प्रकार है. पहले आपको यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, SP मल्टीप्लाइड बाय SQ माइनस AQ. और यील्ड और मिक्स का फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको बीच में इसमें RSQ इंसर्ट करना पड़ेगा. यहाँ पर RSQ इंसर्ट करना पड़ेगा तो फॉर्मूला बन जाएगा. पहला यील्ड का फॉर्मूला बनेगा SP इंटू SQ माइनस RSQ, और यहाँ पर मिक्स का फॉर्मूला बनेगा RSQ माइनस AQ. कैसे याद कराया था क्लास में? क्लास में मैं इस प्रकार याद कराया था कि एक SQ माइनस RSQ आपस में और फिर RSQ माइनस AQ आपस में, और SQ माइनस RSQ को यील्ड बोलेंगे और RSQ माइनस AQ को मिक्स बोलेंगे. अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये RSQ कैसे कंप्यूट होगा? तो उसके 2 स्टेप हैं. पहले जो दोनों तीनों रॉ मटेरियल होंगे क्वेश्चन में, दोनों तीनों और मे बी हाउ मेनी वॉट एवर नंबर, उन सब का जो AQ है, बड़ा वाला AQ, टोटल AQ, उसको पहले प्लस करेंगे. और सभी के AQ के प्लस जब हो जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, तो AQ को उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे. तो ऐड द AQ ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल्स एंड डिवाइड दैट sum of AQ in the ratio of SQ and you will get the revised standard quantity of each raw material. अब आइए दोस्तों questions से पढ़ना शुरू करते हैं. अब जैसे study mat का illustration 1 से ही शुरू कर लेते हैं, बहुत easy है. देखिए बेटा इस question में पढ़ते हैं, the standard and actual figures for product Z are as under. Standard material quantity 50, एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी 45,
तो एस क्यू और ए क्यू मिल गया आपको। मटेरियल प्राइस पर यूनिट स्टैंडर्ड का है 1 रुपीज़, यानी दिस इज स्टैंडर्ड प्राइस एंड 80 पैसा इज योर एक्चुअल प्राइस। तो आपको एस क्यू, ए क्यू, एस पी, ए पी सारा मिल गया है। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरियंसेस पूछा है। बेटा दिस इज डैम इजी क्वेश्चन। तो कॉस्ट वेरियंस के लिए, चलो कॉस्ट वेरियंस के लिए आप एस क्यू इंटू एस पी यानी 50 × 1 50 रुपीज़ माइनस ए पी इंटू ए क्यू, ए पी इंटू ए क्यू तो 45 × 0.8 करेंगे तो 36 आएगा। तो 50 − 36, 50 − 36 दिस विल गिव यू 14 रुपीज़ फेवरेबल। और प्राइस वेरिएंस के लिए फॉर्मूला मैं सिर्फ आपका फॉर्मूला रिवाइज हो जाए इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो एस पी माइनस ए पी 1 − 0.8 इंटू ए क्यू 45 क्वेश्चन में दिया हुआ था। और यूसेज वेरिएंस के लिए एस क्यू माइनस ए क्यू 50 − 45 × 1 5 रुपीज़ फेवरेबल। बहुत ईजी था, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन टू। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। एन एक्स ई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहला डेटा पढ़िए बेटा साथ में, स्टैंडर्ड डेटा, मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज 100 kg। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। इसको हिंदी में पढ़ेंगे कि 70 kg फिनिश प्रोडक्ट के लिए 100 kg रॉ मटेरियल लगता है। नाउ दिस कैन गिव यू समथिंग, 70 kg, 70 kg फिनिश गुड्स के लिए 100 kg रॉ मटेरियल लगता है। सो इससे हमारा निकल सकता है बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड। इसके लिए आपको गैस कीजिए, 70/100 करना चाहिए या 100 kg/70 kg करना चाहिए। द आंसर इज 100 kg रॉ मटेरियल अपॉन 70 kg करना चाहिए बेटा। और 100/70 करके देखेंगे कैलकुलेटर में, 100/70 करके देखेंगे कैलकुलेटर में तो 1.4285 kg रॉ मटेरियल आएगा पर 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। सो ये एस क्यू पर यूनिट क्यों निकलवाया बेटा मैं, एस क्यू पर यूनिट से हम लोग बड़े एस क्यू पे जा सकते हैं, टोटल एस क्यू पे। अगर हम स्टैंड एस क्यू पर यूनिट को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना प्रोडक्ट के, तो टोटल एस क्यू आता है। इसके बाद लिखा है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 1 रुपीज़ पर kg, दिस विल प्ले द रोल ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस एस पी। नाउ यू आर गिवन एक्चुअल आउटपुट 2,10,000 kg, डोंट गेट मिस्टेकन, दिस इज आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट राइट। एंड इफ वी मल्टीप्लाई आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर kg, वी विल गेट टोटल एस क्यू। तो ये 2,10,000 kg को इस 1.4285 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो टोटल एस क्यू आएगा। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, ये 3 लाख के आसपास आएगा, ऑलमोस्ट 3 लाख के। सो दैट विल बिकम एस क्यू फॉर यू। तो वी हैव जस्ट गॉट एस पी एस क्यू। नाउ इसके बाद लिखा हुआ है बेटा मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूज मतलब ये मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है, जिसको अपन ए क्यू बोलेंगे, ए क्यू। और ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब जो एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी करने के बाद आया होगा 2,52,000। अगर हमको इसमें से ए पी निकालना है एक्चुअल प्राइस, तो इस 2,52,000 को अपने को 2,80,000 से डिवाइड कर लेना चाहिए। 2,52,000 इज द टोटल प्राइस कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2,80,000, यू विल गेट द प्राइस इफ वी वांट द प्राइस। और आप ये कैलकुलेशन करके देखिए, आपका 0.9 आएगा। तो मेन चीज मैं आपको समझा दिया बेटा, एस पी एस क्यू वगैरह कैसे आने वाला है वो मैं आपको बता दिया। इसके बाद आप क्वेश्चन आराम से मैकेनिकली कर सकते हैं। अब जैसे आपको कॉस्ट वेरियंस निकालना है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए देखो मैं एक चीज़ फाइनल कर दूं, एस पी किसको निकाले, एस पी अपन ने कैलकुलेट किया, एस पी वॉज ऑलरेडी गिवन 1, ए पी हमने निकाला 0.9 और एस क्यू हमने निकाला 3 लैक्स, और ए क्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 2,80,000। अब इन सबको यूज़ करके सारा बन जाएगा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला है
एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू। तो एस पी इंटू एस क्यू के लिए 1 रुपीज़ का एस पी इंटू 3 लैख एस क्यू माइनस 0.9 का ए पी और 2,80,000 का ए क्यू। कैलकुलेशन करके देखिएगा, यू विल गेट 48,000 फेवरेबल। इसके बाद मटेरियल प्राइस वेरियंस के लिए फॉर्मूला, पहले एस पी माइनस ए पी मल्टीप्लाइड बाई ए क्यू, तो 1 माइनस 0.9 इंटू ए क्यू वॉज 2,80,000। ये डेटा बस आप इकट्ठा कर लो बेटा, ये जो मैं आपको सिखाया। इसके बाद फॉर्मूले बस लगाना है। और मटेरियल यूसेज वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस क्यू माइनस ए क्यू, पहले क्वान्टिटी का डिफरेंस, बाहर मल्टीप्लाई करेंगे एस पी से। तो एस क्यू माइनस ए क्यू इज 3 लैख माइनस 2,80,000, बाहर मल्टीप्लाई करेंगे एस पी से, यू गेट 20,000 फेवरेबल आंसर फॉर दिस। अब आइए दोस्तों, थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज, यानी एक केमिकल मिक्सचर को बनाने के लिए दो टाइप के जो रॉ मटेरियल लगते हैं उसका मिक्सचर दिया हुआ है। 40% ए एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर के जी एंड 60% बी एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर के जी। सबसे ईजी काम, पहले ये 20 और 30 जो है ये दोनों टाइप के रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस है। तो पहले एक काम लिख देते हैं बेटा यहाँ पे, कि रॉ मटेरियल ए और बी का जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 20 और 30। एक बार हमारा ये टेबल तैयार हो गया ना, तो फिर क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये जो डेटा है ना बेटा, इसको कैसे पढ़ेंगे कि 40, एक बार इसको ना केजी रीड कीजिए आप, केजी, परसेंट की जगह केजी। तो 40 केजी ए डालते हैं और 60 केजी बी डालते हैं, यानी टोटल 100 केजी का इनपुट डल जाता है। तो उसके बाद 10% का इनपुट लॉस होने के बाद आउटपुट निकलता है। अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। दिस मीन्स दैट जो भी टोटल इनपुट डलेगा उसका 10% नॉर्मली लॉस्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से 40 केजी ए डालेंगे और 60 केजी बी डालेंगे, तो टोटल इनपुट 100 केजी जो डल गया है उसमें 10 केजी लॉस्ट हो जाएगा, यानी 90 केजी का आउटपुट आएगा। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 40 केजी, आई होप यू कैन सी, 40 केजी ए डालने से प्लस 60 केजी बी डालने से 90 केजी का आउटपुट आएगा, आउटपुट। नाउ दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ ए, एंड दिस विल हेल्प यू टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ बी। कैसे बेटा, देखना इसको रीड कैसे करते हैं, कि 40 केजी ए डालने से 90 केजी आउटपुट निकलेगा। दोनों को इंडिविजुअली सोचिए आप, अकेले अकेले सोचिए, आइसोलेशन में। मैं जानता हूँ 40 ए डालने से, 60 बी डालने से तब जाके 90 केजी आउटपुट निकलेगा, बट एक बार के लिए ऐसे सोचिए कि रॉ मटेरियल ए की आउटपुट के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है। तो वो कैसे निकलेगा, मतलब उसको कैसे अपन को बोलना है कि 40 केजी ए डालने से 90 केजी आउटपुट निकलता है। तो दिस विल हेल्प यू टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए पर यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए पर यूनिट, दैट विल बी 40 केजी अपॉन 90 केजी। इसका आंसर निकालिए। और बी का कैसे निकलेगा बेटा, बी का निकलेगा ऐसे ही, पर्सनल सोचेंगे अगर तो बी बोलेगा 60 केजी बी डलने से 90 केजी आउटपुट निकलता है। तो इसका हो जाएगा बेटा 60 अपॉन 90, ये आएगा बेटा 40/90 इज 0.444, यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ मैं, ए का आ रहा है 0.4444 केजी और बी का आएगा 60/90, दैट इज इजीली 0.66666 केजी। अब आपको एक चीज़ बस, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये पता होनी चाहिए, ये निकलने के बाद बस आप जो प्रोडक्ट का एक्चुअल आउटपुट होगा ना, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों प्रोडक्ट का बड़ा वाला एसक्यू आ जाएगा। और ढूंढिए जाके प्रोडक्ट के आउटपुट को। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वॉज 182 केजी लिखा है, तो दिस इज एक्चुअल आउटपुट। तो ये दोनों को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 182 इंटू 0.444 विल गिव यू 80.88, 80.889,
और इसका करेंगे अगर तो 182 इंटू 0.66666 विल गिव यू 121.33, 121.33 kg. प्लीज डू इट योर सेल्फ ऑल्सो. सो दिस विल गिव यू द टोटल एस क्यू ऑफ बोथ द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल एस क्यू. नाउ लेट अस मूव टू कैलकुलेट अदर थिंग्स. वी हैव जस्ट गॉट एस पी एंड एस क्यू. एस क्यू वॉज 80.889 फॉर ए एंड 121.33 फॉर बी. अब इसके बाद सर बहुत इजी, द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर द पीरियड शोड द फॉलोइंग यूसेज. 90 केजी ऑफ मटेरियल ए एट अ कॉस्ट ऑफ 18 रुपीज़ पर केजी. तो ये 90 केजी जो है ना बेटा, ये ए क्यू है. ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी 90 ए का और बी का 110, और जो प्राइस है 18 और 34, ये एपी है बेटा, एक्चुअल प्राइस. तो ए का 18 और बी का 34, ये सब निकल गया. अब सारा का सारा सिर्फ फॉर्मूला लगाना है. आइए सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस से शुरू करेंगे. तो कॉस्ट वेरिएंस के लिए आपको एस पी इंटू एस क्यू, ये देखिए, ये एस पी इंटू एस क्यू, दोनों प्रोडक्ट का एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू करना पड़ेगा. तो ए के लिए क्या कैलकुलेशन होगा? 20 इंटू 80.889, 20 इंटू 80.889 माइनस ए पी इंटू ए क्यू, दैट इज 90 इंटू 18, 90 इंटू 18. और बी के लिए क्या डेटा होगा बेटा? बी के लिए डेटा होगा 30 इंटू 121.33, 30 इंटू 121.33 माइनस ए पी इंटू ए क्यू करेंगे अगर तो 34 इंटू 110. सो दिस विल गिव यू द कॉस्ट वेरियंस. एक बार कैलकुलेशन में करता हूं मैं, 20.889 20 इंटू 80.889, ये मेमोरी प्लस, फिर 30 इंटू 121.33 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 90 इंटू 18 इज इक्वल टू मेमोरी माइनस, एंड 34 इंटू 110 इज इक्वल टू मेमोरी माइनस. मेमोरी रिकॉल 102.32 इज माई आंसर नेट, 102.32, विच इज रिकनसाइलिंग विद द बुक. आप यू यू कैन टेक योर टाइम एंड सॉल्व. अब इसके बाद प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं. प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू. तो ए प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे बेटा? देखो, एस पी 20 माइनस 18 इंटू ए क्यू 19 से, मतलब 90 रहेगा ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर रहेगा 20 माइनस 18. यू कैन सी 90 इंटू 20 माइनस 18. और बी के लिए क्या करोगे? बी के लिए एस पी माइनस ए पी, मतलब 30 माइनस 34, 30 माइनस 34, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 110 से. तो 30 माइनस 34 इंटू 110. अब बच गया आपका कौन सा? यूसेज. यूसेज वेरिएंस के लिए एस क्यू माइनस ए क्यू. तो मैं एक बार ओरली बोल दे रहा हूँ, एस क्यू माइनस ए क्यू मतलब ए के केस में 80.889 माइनस 90 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस करना है यानी इंटू 20. और बी के लिए 121.33 एस क्यू माइनस ए क्यू करोगे 110 इंटू 30. पीछे आंसर से रिकनसाइल कर लीजिए, बिल्कुल मैच हो जाएगा. ये हो गया आपका यूसेज वेरिएंस. और लास्ट, अब इसके बाद करेंगे ईल्ड और मिक्स. ईल्ड और मिक्स के लिए अपने को आर एस क्यू निकालना पड़ेगा माई डियर फ्रेंड्स. तो आर एस क्यू कैसे निकलेगा? आर एस क्यू मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि पहले ए क्यू को ऐड करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी को. तो एक्चुअल क्वांटिटी को अगर ऐड करोगे ना, तो सम ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी आएगा ये वाला, 90 प्लस 110, दैट इज 200. अब इस 200 को अपने को किस रेशियो में डिवाइड करना है? एस क्यू के रेशियो में, यानी 80.89, 80.89
121.33, इसके रेशियो में आप डिवाइड करके देखिए। पहले मैं 80.889 प्लस 121.33 किया तो 202.219 मेमोरी रिकॉल में किया, फिर 200 अपॉन मेमोरी रिकॉल इनटू 80.889 किया तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ना बेटा दोनों की, एक की आ रही है 8080 और एक की आ रही है 120, तो ये दोनों की आरएसक्यू हो जाएगी 80 और 120। ये करना है बेटा आपको ना कैलकुलेशन, आप लोग प्लीज़ चेक इट आउट। अब यील्ड वेरिएंस जब निकालोगे आप तो यील्ड वेरिएंस तक सजेस्टेड आंसर नहीं बनाया है बट बन सकता था। लेट अस नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4 समझा रहा हूँ आपको। एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एन आर्टिकल बाय ब्लेंडिंग होगा ये, बाय ब्लेंडिंग टू बेसिक रॉ मटेरियल्स, मतलब दो रॉ मटेरियल वाला क्वेश्चन है ये और फिनिश प्रोडक्ट एक ही है। इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट फॉर द रॉ मटेरियल, मतलब जो भी डेटा पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड है। फिर से बेटा इसको ऐसे पढ़ेंगे कि एक केजी मतलब रॉ मटेरियल के 40, रॉ मटेरियल ए के 40 केजी डालने से और रॉ मटेरियल बी के 60 केजी डालने से, टोटल 100 केजी का इनपुट डालने से 15% का स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस होता है, यानी 85 केजी आउटपुट होता है। नीडलेस टू से ये 4 और 3 जो दिया हुआ है ये एसपी है दोनों का, ए का और बी का स्टैंडर्ड प्राइस है ये और 85 केजी का आउटपुट है। इतने डेटा से ना बेटा हम लोग कैसे निकालते थे पिछले क्वेश्चन में कि ए के कितने केजी लगेंगे एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए फॉर वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ बी फॉर वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आप निकालिए। ये कैलकुलेशन होगा 40 केजी एस क्यू पर यूनिट, ए का आएगा 40/85, मतलब 40 के जी ए डालने से 85 यूनिट प्रोडक्ट निकलते हैं, तो 40/85 विल गिव यू 0.4705। और बी का आएगा 60/85 0.70588। अब अगर अपने को आउटपुट पता चल जाए ना तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट को आउटपुट से मल्टीप्लाई करके टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा, तो आउटपुट 1700 है बेटा, तो इसको 1700 से मल्टीप्लाई किया इसी आंसर को, तो बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बी का एस क्यू आ गया 1200 और ए का एस क्यू जो 4.4705 था उसको 1700 से मल्टीप्लाई किया मैं तो ऑलमोस्ट 800 बी का एस क्यू आ गया। तो प्लीज़ नोटिस कर लेंगे कि आपका अब ए का एस पी और बी का भी एस पी है आ गया है और ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी और बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आ गया है। नीचे इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है कि जो प्राइसेस वगैरह दिए हुए हैं ना एक्चुअल के, वो परचेस और रॉ मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग क्लोजिंग के साथ दिए हुए हैं, तो वो स्पेशल कैलकुलेशन होगा। जैसे आप नोटिस कीजिए कि ए रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 35 केजी, परचेस क्वांटिटी दिया हुआ है 800 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 5। इससे ये निकलता है कि ए रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल कंज्यूम क्वांटिटी 35 प्लस 800 माइनस 5 830 आ रहा है और बी का रॉ मटेरियल कंज्यूम क्वांटिटी 40 प्लस 1240 माइनस 50 1190 आ रहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम क्वांटिटी। और बेटा जो ओपनिंग स्टॉक है ना
उसके लिए बोल रहा है इट इज़ वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब ये जो 35 kg ए है इसकी वैल्यू 4 रुपीज़ है और जो 40 kg बी है इसकी वैल्यू 3 रुपीज़ है, ये यहाँ से लिया मैंने। और जो अभी नया परचेज किए हैं इसकी प्राइस अगर निकालना है तो 3400/800 करना पड़ेगा, दैट विल गिव यू 4.25, और जो बी की रहेगी वो 3000/1200 दैट विल गिव यू 2.5। दो टाइप की एक्चुअल प्राइस हो गई। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस दोनों टाइप के रॉ मटेरियल का। तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, SP माइनस AP इंटू AQ। तो जब रॉ मटेरियल ए का निकालेंगे ना दोस्तों, जब रॉ मटेरियल ए का निकालेंगे ना तो यहाँ पे दो एक्चुअल प्राइस है, एक एक्चुअल प्राइस आप देख रहे होंगे, जब ए का प्राइस वेरिएंस निकालेंगे ना बेटा तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि दो प्राइस हैं, हमने जो टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है ना बेटा ए का वो 830 किया है, ओके। उस 830 में से 35 kg ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम हुए होंगे और बाकी जो 795 kg है ना वो इस बार के खरीदे हुए माल से कंज्यूम हुए होंगे। तो ए का प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 35 kg ए के 4 रुपीज़ के रेट के हैं और उसका स्टैंडर्ड प्राइस भी 4 है, इसीलिए जब ए का प्राइस वेरिएंस निकलेगा ए का, तो 35 kg जो शुरुआत में कंज्यूम हुए हैं उसका SP और AP दोनों 4 ही रुपये है, तो ये प्राइस वेरिएंस निल आ जाएगा 35 kg के लिए। और जो बाकी हमने 795 kg कंज्यूम किए ए के, उसका प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए आपको ये 795 kg AQ लेना है, स्टैंडर्ड प्राइस 4, एक्चुअल प्राइस 4.25, इससे 198.75 एडवर्स आ जाएगा। जबकि बी का जब निकालेंगे सिमिलरली, बी की रॉ मटेरियल कंज्यूम क्वांटिटी है 1190, इसमें से पक्का 40 kg ओपनिंग स्टॉक में से कंज्यूम हुआ होगा फीफो के बेसिस पे, बाकी 1150 kg जो कंज्यूम हुई है वो इस बार के खरीदे हुए माल से हुई है। जो शुरू के 40 kg है उसके लिए नहीं निकाल पाएंगे वेरिएंस, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि उन 40 kg का स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस दोनों 3 रुपये है, और जो बाकी 1150 kg बी के रॉ मटेरियल है उसका वेरिएंस निकालेंगे 1150 kg इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये 575 फेवरेबल आएगा। और फिर ए और बी का जो प्राइस वेरिएंस है दोनों को सम कर देंगे तो कंपनी का प्राइस वेरिएंस आएगा। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करना है बेटा, देखेंगे नेक्स्ट कैलकुलेट करना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, SQ माइनस AQ इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड प्राइस तो एक ही है बेटा, ए की 4 है, पहले ए की सिखा दे रहा हूँ बी फिर बाद में, ए की स्टैंडर्ड प्राइस 4 है, ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको यहाँ पे निकलवा के बताया था 800, और एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड होगा, और ए का एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है 830। और बी की कैसे निकलेगी, बी की स्टैंडर्ड प्राइस है 3, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1200, सॉरी 800, एक मिनट, मैं 1200 है बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है 1190। ये कैलकुलेशंस देख लीजिए आप लोग, 4 × 800 − 830 और 3 × 1200 − 1190, यू कैन रिकनसाइल इट हियर ऑल्सो, दिस विल गिव यू 90 एडवर्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस द सब वेरियंसेस। बेटा यील्ड और मिक्स निकालने के लिए हमको RSQ कंप्यूट करना पड़ता है। RSQ का क्या फॉर्मूला बताया हूँ, जैसे सबसे पहले दोनों रॉ मटेरियल के AQ को प्लस करेंगे बेटा, दोनों रॉ मटेरियल के AQ को, AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम,
एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम दोनों की कितनी है, 830 और 1190, तो 830 प्लस 1190 करेंगे, दिस विल गिव यू 2020, और जो दोनों का AQC है उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए, ये रहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1200 और 800, तो 2020 को मैं डिवाइड किया 2000 से और मल्टीप्लाई किया 800 से, तो 808 RSQ आ रहा है A का, और 1190 से मल्टीप्लाई किया तो 1201.9 2020 अपॉन 2000 इंटू 1200, सॉरी, सो 1212 इज द RSQ ऑफ बी, 1212। एक 808 है और एक 1212 है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। यील्ड वेरिएंस के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, SP इंटू SQ माइनस RSQ। सो SQ माइनस RSQ किया A का, B का SQ माइनस RSQ किया और मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड प्राइस से। और मिक्स वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है RSQ माइनस AQ, AQC इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो 808 माइनस 830, 1212 माइनस 1190, ये आ गया आपका मिक्स वेरिएंस। तो इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट था कि जो प्राइस वेरिएंस निकालना है ना, वो ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी पे नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस सेम है। जो रॉ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक को छोड़ के बाकी जो स्टॉक है उसमें स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस अलग अलग है, इसलिए उनका प्राइस वेरिएंस निकलेगा। और जो यूजेज वेरिएंस निकलता है वो रॉ मटेरियल क्वांटिटी कंज्यूम पे निकलता है, SQ माइनस AQC, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। और जो यील्ड और मिक्स वेरिएंस भी निकलते हैं ना बेटा, उसके लिए जो RSQ लेते हैं पहले उसमें सम ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम करना है और उसको फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में डिवाइड करना है। एक क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूँ बेटा, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाइएगा, पेज नंबर 13.54। प्लीज़ बेटा, अब मैं ना आपको दोनों टाइप के रॉ मटेरियल का, ए और बी का, SP SQ AP AQ ये कैसे निकलेगा बस यहाँ तक बता दूंगा, आगे आप कर लेंगे। आई बिलीव आपको उसके आगे इजी लगता ही होगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ सेमको द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट इज, मतलब 10 kg आउटपुट निकालने के लिए, सेमको इज प्रोडक्ट, 10 kg आउटपुट निकालने के लिए मटेरियल ए 8 kg इस्तेमाल होता है। आई रिपीट, 10 kg प्रोडक्ट बनाने के लिए 8 kg ए लगता है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए पर यूनिट कैसे निकलेगा बेटा, 8 kg ए अपॉन 10 kg प्रोडक्ट, तो 0.8 आंसर आएगा, दैट विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। फिर हम लोग उसको एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट के, तो हम लोग को ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता चलेगा। जैसे ये 0.8 आ रहा है ना, इसको फिर एक्चुअल आउटपुट 1000 kg से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट के एक्चुअल आउटपुट से, तो 800 आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको सिखा दिया, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 आएगा और बी का कैसे आएगा, 4 kg बी लगता है 10 kg आउटपुट के लिए, तो 4 kg अपॉन 10 kg इंटू एक्चुअल आउटपुट 1000, तो 4/10 इंटू 1000, 400 आएगा आपका बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर ए का स्टैंडर्ड प्राइस और बी का स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया है 6 और 4। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअल कंजम्पशन एकदम क्लियरली लिखा है, ए का 750, बी का 500, तो ए का 750, बी का 500, और एक्चुअल प्राइस 7 और 5, 7 और 5, सो दिस विल गिव यू एवरीथिंग। RSQ निकालना हो अगर आपको, तो आप AQ को प्लस कर देंगे, 750 प्लस
500 इज 1250, और उस 1250 को 8:4 के रेशियो में डिवाइड कर देना। 1250 को अपॉन 1200 किए, इंटू 800 करोगे तो 833 इसका RSQ आ जाएगा, और इंटू 400 करोगे तो 416.66 इसका RSQ आ जाएगा। सो सिंपल, बाकी सारा कैलकुलेशन आपको मालूम है बेटा। सिमिलरली इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मैं मटेरियल एक्स वाई और जेड का SP, SQ, AP, AQ समझा देता हूँ। SP तो आप देख लीजिए बेटा, 15, 20 और 25 दिया हुआ है, 15, 20 और 25। इसके जस्ट बाद SQ अगर आपको निकालना है तो अगेन सेम स्टाइल, द स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, पहले वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का डेटा दे दिया है, वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो 60 यूनिट्स लगने वाले हैं मटेरियल एक्स के, ये एक यूनिट प्रोडक्ट को बनाने में लगेंगे, मतलब 60 इज नाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। इसको जब एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा। तो मटेरियल एक्स का 600 आएगा, मटेरियल वाई का 800 और मटेरियल जेड का 1000। SPSQ हो गया। AP बेटा दिया हुआ है देखो 17.5, 18 और 27.5, और AQ भी दिया हुआ है 640, 950 एंड 870। इसके बाद सेम फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। अब दोस्तों एक मिसिंग फिगर का क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड, स्टडी मेट के पेज नंबर 13.55 का क्वेश्चन नंबर 3। गैप लिमिटेड ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड विद अ सिंगल कॉस्ट सेंटर, लाइन कोई काम की नहीं है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स, बजटेड डेटा। अब भाइयों आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए फैशन कि मटेरियल ए बजटेड डेटा यानी स्टैंडर्ड डेटा 60 kg डलेगा, मटेरियल बी 40 kg डलेगा, टोटल इनपुट 100 kg होगा, उसमें से 20 का नॉर्मल लॉस हो जाएगा तो 80 का आउटपुट निकलेगा। सिर्फ इतने डेटा से माय डियर फ्रेंड्स हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ ए भी निकाल सकते हैं और बी का भी निकाल सकते हैं। वो कैसे आएगा, ए का आएगा 60 kg ए डालने से 80 kg आउटपुट निकलता है, तो ये हो जाएगा बेटा 0.75, और बी का हो जाएगा 40 kg बी डालने से 80 kg का आउटपुट निकलता है तो ये हो जाएगा 0.5। और जैसे ही ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा वाला स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा। तो ए का बड़ा टोटल SQ ए का और बी का कैसे आएगा, जब ए का 0.75 इस एक्चुअल आउटपुट 80 से मल्टीप्लाई हो जाए और बी का 0.5 इस 80 से मल्टीप्लाई हो जाए, 80 इज द एक्चुअल आउटपुट। तो इसका आंसर आएगा सर 60 kg और इसका आएगा 40 kg। डोंट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वही एक्चुअल आउटपुट है, तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी डलनी चाहिए थी वही बजटेड क्वांटिटी डलनी चाहिए थी वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनेगी। तो SQ निकल गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले दोनों प्रोडक्ट का SQ निकाल लिए, स्टैंडर्ड प्राइस ये है 20 और 30। तो SQ और SQ दोनों प्रोडक्ट का और स्टैंडर्ड प्राइस दोनों प्रोडक्ट का दे दिया। ये कोई काम का नहीं है बेटा, ये डेटा कोई काम का नहीं है, नो यूज़। ये भी कोई यूज़ का नहीं है। एक्चुअल आउटपुट 80 kg, एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल सकता था, वो हमने निकाल लिया। अब एक्चुअल डेटा में ए का एक्चुअल क्वांटिटी दिया है, बी का नहीं दिया है, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दिया है, और ए का एक्चुअल प्राइस नहीं दिया है जबकि बी का एक्चुअल प्राइस दिया है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि ए वाले मटेरियल का AQ दिया है पर AP नहीं दिया है, और बी वाले मटेरियल का AQ नहीं दिया है पर AP दिया है। इसके बाद जब भी क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं दिया रहता तो कोई ना कोई वेरिएंस मिल जाता है। नाउ रीड दिस वेरी प्रॉपरली, ये लिखा है बेटा मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑफ ए है ये, यानी सिर्फ ए रॉ मटेरियल का मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 105 एडवर्स, और फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये पूरी कंपनी का है
और ये 275 एडवर्स है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एक्चुअल प्राइस ऑफ ए निकालना है, तो इसके लिए ना अपने को ए का प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, ए का प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला। और ए का प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए बेटा ये है आपके सामने प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। तो जो 105 एडवर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा, और अपने को अब ए का ए क्यू चाहिए, ए का ए क्यू बेटा ये रहा 70, तो 70, और ए का एस पी चाहिए यानी 20, और ए का ए पी जो है वो मिसिंग फिगर हो जाएगा, उसको एक्स मान लेंगे। यानी इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस 105 इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस एक्स। तुरंत मैं इसको आंसर से आपको दिखा देता हूँ, या कर लीजिए आप कैलकुलेशन। तो 105 अपॉन 70 करेंगे पहले, तो ये 1.5 हो जाएगा, माइनस 1.5 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो x इस तरफ चल जाएगा और 1.5 उस तरफ, तो x की वैल्यू 21.5 आएगी। तुरंत ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी रिफर साथ साथ करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इसका आंसर पीछे दिया हुआ है। जिस मेथड से अपन ने निकाला ना बेटा, ये वैसे ही किया इन्होंने भी। ये देखिए एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए, इन्होंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फॉर्मूले से निकाला 21.5। आई होप यू गेट। नाउ ये पेज नंबर अपनी बुक में खोल के रखिएगा, ये है 13.65 पेज, 13.65। अब क्वेश्चन 3 का सेकंड रिक्वायरमेंट क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी। इसमें ना बेटा अपने को पूरे के पूरे कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ऑफ कंपनी जो है ना वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, पूरी कंपनी का कॉस्ट वेरिएंस। 13.65 पेज में तुरंत आ जाइए, 13.65 पेज में। अब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी चाहिए, ये निकालना है, तो ये निकालना है ना, इसको एक्स मान लीजिए, बाकी आप पूरा का पूरा कंपनी के कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए। जो कंपनी का कॉस्ट वेरिएंस है ना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 275 एडवर्स। तो बेटा कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता था याद कीजिए, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, और दोनों टाइप के प्रोडक्ट का चाहिए अपने को ये डेटा। तो ये इन्होंने क्या किया, पहले ये वाला डेटा पूरी कंपनी का चाहिए ना, तो ये एस क्यू इंटू एस पी ये ए का है, और ये एस ए पी इंटू ए क्यू ए का है। तो ए का एस पी इंटू एस क्यू क्वेश्चन से मिला लीजिए बेटा, 60 के जी एस क्यू है, 20 रुपीस एस पी है, 70 के जी एस क्यू ऑफ सॉरी ए क्यू है ए का, और ए पी अभी अभी अपन ने निकाला था ए का 21.5, और फिर बी का एस क्यू 40 है, अपन ने निकाला था बी का स्टैंडर्ड प्राइस 30 है, क्वेश्चन में दिया था। फिर बी का जो ए क्यू है इसको एक्स मान रहे हैं, और बी का जो ए पी है 30 रुपीज़ मान रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन तैयार है आपके पास, 60 × 20 माइनस 70 × 125 प्लस 40 × 30 माइनस 30x इज इक्वल टू माइनस 275। इसको बस सॉल्व करना है आपको, x की वैल्यू 39 आएगी। x किसको माने थे, b के एक्चुअल क्वांटिटी को। सो दिस वॉज योर थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट। फिर पूछा है बेटा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और ये पूरी कंपनी का पूछा है। इसमें से ए का प्राइस वेरिएंस तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू सी ए का प्राइस वेरिएंस तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ना, 105 एडवर्स। तो बचा किसका, बी का। तो बी का अगर प्राइस वेरिएंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एस पी माइनस ए पी और मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यू से बी के। तो बी का ए क्यू अभी अभी निकाले बेटा अपन, 39 मल्टीप्लाइड बाय बी का एस पी क्वेश्चन में दिया हुआ है 30, और बी का ए पी भी कोइंसिडेंटली 30 है, तो वो जीरो आएगा, निल आएगा। और क्वेश्चन में मटेरियल ए का 105 एडवर्स तो दिया ही हुआ है, 105 एडवर्स में निल ऐड करेंगे तो 105 एडवर्स पूरी कंपनी का भी आएगा। उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस पूछा है, यूसेज वेरिएंस पूरी कंपनी का। जस्ट यू शुड हैव नॉलेज कि आपको सारे कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स का, दोनों रॉ मटेरियल का एस पी एस क्यू ए पी ए क्यू आ चुका है, तो आप जो चाहे वो निकाल सकते हो। तो यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी करना रहता है बेटा। तो
ये ए का एसपी है 20 और ए का एसक्यू 60, ए का एक्यू 70। तो 60 - 70 इंटू 20। और मटेरियल बी का SQ - AQ करने के लिए 40 - 39, और क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस 30, तो 200 एडवर्स और 30 फेवरेबल करके 170 आ जाएगा। मिक्स और यील्ड निकालने के लिए बेटा आपको पहले RSQ चाहिए रहेगा। RSQ कैसे निकलेगा? पहले AQ का सम करेंगे दोनों प्रोडक्ट के, तो दोनों प्रोडक्ट का जो AQ है ना वो है 70 और 39, यानी 109। इसको अपने को 6:4 के रेशियो में, 60:40 के रेशियो में बांटना है, 60:40 के रेशियो में। तो 60:40 के रेशियो में बांटोगे ना बेटा, तो 109/100 इंटू 60, ये 65.4 ए का RSQ आएगा और बी का RSQ आएगा 40 मल्टीप्लाई करने से 43.6। उसके बाद ये क्वेश्चन इसका भी बन जाएगा। आई होप दिस सॉल्व्स द पर्पस। अब दोस्तों मैं आपको जल्दी से लेबर वेरिएंस का कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। लेबर वेरिएंस में सबसे पहला वेरिएंस होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, जिसको अपन एक्चुअल लेबर कॉस्ट भी कह सकते हैं, जिसमें AR इनटू AH, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स करते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं लेबर रेट वेरिएंस और एक को कहते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट वेरिएंस में रेट का डिफरेंस आएगा, यानी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट पर आवर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर फ्रेंड्स एक्चुअल आवर्स से, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में आवर्स का डिफरेंस आता है, यानी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। इस फॉर्मूले में जो SR वर्ड यूज हुआ है, एक मिनट एक चीज और सिखा देता हूँ कि अगर एक से ज़्यादा लेबर यूज़ हो रहे होंगे प्रोडक्ट को बनाने में, तो हमको दो वेरिएंट्स और निकालने पड़ेंगे, लेबर यील्ड वेरिएंट्स और लेबर मिक्स, जैसे मटेरियल में निकालते थे। और यील्ड का फॉर्मूला निकालने के लिए बीच में यहाँ RSH इंसर्ट करना पड़ता है, तो स्टैंडर्ड रेट इनटू SH - RSH, और मिक्स निकालने के लिए SR - RSH - AH। अब बेटा यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ किए उसका मीनिंग क्या है? स्टैंडर्ड रेट का मतलब है स्टैंडर्ड रेट पर आवर, यानी लेबर की पर आवरली रेट क्या है नॉर्मली, पर आवरली रेट। और स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब हाउ मच टाइम, हाउ मच आवर्स, हाउ मैनी आवर्स शुड बी टेकन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसका फॉर्मूला है पहले स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट निकालेंगे। स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट निकालते थे वैसे स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आउटपुट से। और SR के उसके बाद AH, AH का मतलब हाउ मैनी आवर्स वर एक्चुअली वर्कड, एक्चुअली वर्कड फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब एक्चुअल आउटपुट को निकालने में सच में कितने आवर्स लगे उसको AH बोलेंगे। और AR का मतलब एक्चुअल रेट पर आवर, यानी लेबर को पर आवर हमने सच में क्या रेट पे किया। अब माय डियर फ्रेंड्स लास्ट चीज, RSH यानी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, इसको कैसे निकालेंगे? पहले स्टेप 1, दोनों वर्कर्स का एक्चुअल आवर्स को पहले प्लस करेंगे, और स्टेप 2 डिवाइड द एक्चुअल आवर्स इन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, तो दोनों वर्कर का RSH आ जाएगा। प्लीज इसको अच्छे से नोटिस कर लेंगे। और जिन क्वेश्चंस में आइडल टाइम दिया रहेगा
तो बीच में लेबर आइडल टाइम वेरिएंस भी निकलेगा, वो मैं आपको क्वेश्चन कराते कराते निकलवाऊंगा। उसमें फिर दो कंसेप्ट हो जाते हैं, एक्चुअल आवर पेड फॉर अलग हो जाता है, एक्चुअल आवर पेड फॉर यानी वर्कर को कितने आवर्स का पेमेंट किए, और एक्चुअल आवर वर्कड अलग हो जाता है। कभी भी एक्चुअल आवर पेड ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग वर्कर को जितने आवर्स वो प्रेजेंट होता है ना, उतने आवर्स का पेमेंट करते हैं, बट उसमें से कुछ अनप्रोडक्टिव टाइम बर्बाद हो जाने के कारण उसको जो जो टाइम खराब होता है उसको आइडल टाइम बोलते हैं, और आवर्स पेड फॉर में से अनप्रोडक्टिव आवर्स को हटाते हैं तो एक्चुअल आवर्स वर्कड बचता है। और अगर ये क्वेश्चन में दे दिया गया तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट पर आवर इंटू एक्चुअल आवर वर्कड माइनस एक्चुअल आवर पेड फॉर, अगर ये आया तो ये फॉर्मूला शीट है दोस्तों, इसका ध्यान रखेंगे। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं। एक बार मैं आपको स्टडी मैट से भी ये फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूँ, 13.23 पेज में आइएगा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट यानी SR इंटू SH माइनस AR इंटू H, जैसे अपन ने याद किया। उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला, इसमें हम लोग जिस स्टाइल से याद किए थे ना वो ये था बेटा, ये SR माइनस AR को ब्रैकेट में रखेंगे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और मल्टीप्लाई करेंगे AH से, एक्चुअल आवर्स से। उसके बाद एफिशिएंसी वेरिएंस में आवर्स का डिफरेंस लेते हैं, तो आवर्स का डिफरेंस के हिसाब से SH माइनस AH ब्रैकेट के अंदर, सॉरी SH माइनस AH ब्रैकेट के अंदर, और बाहर स्टैंडर्ड रेट SR पर आवर। और फिर यील्ड का रेशियो, यील्ड रेशियो का फॉर्मूला, यील्ड में SH माइनस RSH करते हैं बेटा, SH माइनस RSH, और मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से, और आइडल टाइम वेरिएंस टॉप में निकलता है। जैसे मैंने आपको बोला एक्चुअल आवर पेड फॉर जो कि छोटा फिगर है, एक्चुअल आवर वर्कड पहले लिखेंगे जो कि छोटा फिगर है, माइनस एक्चुअल आवर पेड जो कि बड़ा फिगर है, इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका आंसर ऑलवेज एडवर्स आए। अब क्वेश्चन बनाऊंगा बेटा, क्वेश्चन से प्रैक्टिस होगी। इलस्ट्रेशन 5 देखिएगा पेज 13.27 में। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स ऑफ अ फर्म आर एज अंडर, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज 1000 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ये स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज अवर SR पर आवर, जो अपने को SR SH करना है ना, तो SR, जब भी मैं SR बोलूँ तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर होता है उसका मतलब। और उसके बाद टॉप में जो लिखा है ना, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब यानी जॉब को कंप्लीट करने के लिए सच कायदे से कितने घंटे लगने चाहिए थे, दैट इज़ आवर स्टैंडर्ड आवर्स SH, सो 1000 विल बी योर SH, सो दिस इज SH, दिस इज SR पर आवर। एक्चुअल टाइम टेकन 900 आवर्स, तो दिस इज AH, एक्चुअल आवर्स, एंड एक्चुअल वेजेस पेड 36000, तो 36000 जो है ना बेटा, ये टोटल वेजेस आपने सच में पे किए, ये कैसे आई है, एक्चुअल आवर्स को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करने पर 36000 आया होगा। तो हम चाहे तो इससे एक्चुअल रेट निकाल सकते हैं, अगर हम 36000 को 900 से डिवाइड कर देंगे ना तो 40 रुपीज़ आंसर आएगा, दैट विल बी योर एक्चुअल रेट पर आवर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस, तो सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस से शुरू करते हैं। कॉस्ट वेरिएंस में SR इंटू SH यानी 1000 इंटू 50 माइनस डायरेक्ट 36000 भी कर दोगे तो भी चलेगा, या फिर 40 इंटू 900 करेंगे तो 50 इंटू 1000 माइनस 36000, 14000 फेवरेबल। इसके बाद लेबर रेट वेरिएंस अगर अपने को निकालना है, लेबर रेट वेरिएंस, तो फॉर्मूला है SR माइनस AR इंटू AH, तो AH 900 आवर्स है, SR 50 है, AR 40 है। और एफिशिएंसी वेरिएंस अगर निकालना है, एफिशिएंसी वेरिएंस, तो पहले फॉर्मूला SH माइनस AH, और बाहर मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, तो स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में 50 है, तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा SH 1000 और AH 900, तो 1000 माइनस 900 इज 100, 100 इंटू 50 5000 रुपीज़ फेवरेबल।
सो द मोस्ट इजी क्वेश्चन वी हैव जस्ट कंप्लीटेड. अब थोड़ा टफ क्वेश्चन कराता हूं. ये क्वेश्चन को बेटा थोड़ा अच्छे से समझिए. द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 25 यूनिट्स पर आवर. माइंड द वर्ड, एक घंटे में 25 यूनिट्स बन जाते हैं. मतलब 12 बजे काम चालू करो, एक बजे एक घंटे में 25 यूनिट्स बन जाते हैं. वेरी सुपर फास्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. इन अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी इंप्लॉइंग 100 वर्कर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन इज एक डिपार्टमेंट में एक आवर में 25 यूनिट्स बन जाते हैं. बट बेटा उस डिपार्टमेंट में एक घंटे में जब 100 वर्कर्स काम करते हैं ना, तब ऐसा हो पाता है. यानी जब 100 वर्कर्स एक घंटा काम करेंगे तब एक घंटे में 25 यूनिट्स बनेंगे. तो एक्चुअली ना ये एक आवर में 25 यूनिट्स नहीं बन रहे हैं, ये 100 लेबर आवर्स में 25 यूनिट्स बन रहे हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन. इफ 100% वर्क फॉर 1 आवर, देन इट इज एज गुड एज 100 लेबर आवर्स. एंड विद दोज 100 लेबर आवर्स द कंपनी इज एबल टू प्रोड्यूस 25 यूनिट्स. सो माई डियर फ्रेंड्स, 100 आवर्स काम करने पर 25 यूनिट्स अगर बन रहे हैं ना, सो दिस विल गिव यू अ डेटा ऑफ 4 आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट. 4 आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट. अगर 100 आवर्स काम करके 25 यूनिट्स बन रहे हैं ना, तो दिस इज गिविंग यू द डेटा ऑफ 4 आवर्स आर नीडेड फॉर 1 यूनिट. दिस विल प्ले द रोल ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, SH पर यूनिट. और जब SH पर यूनिट को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो टोटल SH आता है. तो आई एम सर्चिंग फॉर एक्चुअल आउटपुट. लेट अस रीड द क्वेश्चन. द स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर पर लेबर आवर इज 6. तो दिस विल प्ले द रोल ऑफ स्टैंडर्ड रेट पर आवर 6. जो अपन SR इंटू SH करते हैं ना, तो उसका SR 6 रुपीज़ पर आवर है. अभी तक अपने को 2 डेटा मिले हैं. एक SH पर यूनिट मिला है जो कि 4 आया, जिसको एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा वाला टोटल SH आएगा. और एक डेटा मिला है अपने को SR, विच इज 6 रुपीज़. हमारे को चाहिए क्या क्या? हमको SR, SH, AR, AH सारा चाहिए. इसके बाद लिखा है, इन ए 42 आवर्स वीक द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस्ड 1040 आवर्स ऑफ EXE. तो ये आउटपुट है बेटा, ये एक्चुअल आउटपुट है, AO है ये. तो जब एक्चुअल आउटपुट को SH पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4 × 1040 करेंगे. 4 × 1040 करने पर 4160 आ रहा है. तो 4160 इज अवर टोटल स्टैंडर्ड आवर्स. और इन ए 42 आवर्स वीक का मतलब होगा कि कंपनी ने एक वीक में 42 आवर्स काम किया और उसमें 1040 यूनिट्स बनाए. आप कॉमन सेंस लगाइए बेटा, वो जो एक वीक थी 42 आवर्स की, उसमें तो कंपनी के पूरे 100 के 100 वर्कर्स काम किए होंगे. तो 42 आवर्स तो एक वर्कर ने काम किया ना. सो इफ 100 वर्कर्स वर्क फॉर 42 आवर्स, देन दिस विल गिव यू अ फिगर ऑफ 4200 एक्चुअल लेबर आवर्स. 4200 एक्चुअल लेबर आवर्स इन अ 42 आवर वीक द कंपनी प्रोड्यूस्ड 1040 यूनिट्स ऑफ एक्स डिस्पाइट 5% ऑफ द टाइम बीइंग पेड ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन. तो बेटा ये कैलकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एक्चुअल आवर पेड फॉर आया होगा ना, कंपनी ने जितने आवर का पेमेंट किया वो 42 आवर्स होगा. और 42 आवर्स इंटू 100 वर्कर्स इज इक्वल टू 4200 लेबर आवर्स. 4200 लेबर आवर्स. और इसमें से ना बेटा 5% टाइम बर्बाद हो गया. तो 4200 आवर्स में से 5% को हटाएंगे सर. तो 4200 में से 5% को हटाने पर 3990 आवर्स बचेंगे. ये एक्चुअल आवर वर्कड होगा. इससे आइडल टाइम वेरिएंस भी निकलेगा दोस्तों. इसके बाद एक डेटा दिया हुआ है, द आवरली वेजेस पेड वर. अब 3 टाइप के आवरली वेजेस हैं. एक है 6.2,
एक है 6.2 के बाद 6 और एक है 5.7। तो जो कंपनी ने टोटल आवर्स का पेमेंट किया ना 4200 आवर्स का, उसमें से 10 वर्कर्स को 6.2 का पेमेंट हुआ है। तो 10 वर्कर्स इज इक्वल टू 420 आवर्स। तो 420 आवर्स में कंपनी ने ये रेट दिया, 30 वर्कर्स को 6 के हिसाब से दिया, तो 30 × 42 इज इक्वल टू 1260 आवर्स। और 5.7 दिया है कंपनी ने 60 वर्कर्स को, तो 60 वर्कर्स ने एक्चुअली 42 आवर्स के हिसाब से 2520 आवर्स काम किया होगा। तो टोटल 4200 आवर्स का जो पेमेंट हुआ है ना, उसमें से 420 आवर्स, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टोटल जो 4200 आवर्स का पेमेंट हुआ है ना, उसमें से 10 वर्कर्स का 42 आवर्स और फिर 20 वर्कर्स का 42 आवर्स और बाकी, सॉरी, 10 30 वर्कर्स का और फिर लास्ट में 60 वर्कर्स का 42 आवर्स का पेमेंट अलग अलग रेट से हुआ है। ये 420 आवर्स है और ये 30 × 42 अगर आप करेंगे ना मेरे दोस्तों, तो 1260 आवर्स का अलग रेट से पेमेंट हुआ है और 60 × 42 यानी कि 2520 आवर्स का अलग रेट से पेमेंट हुआ है बेटा, अलग रेट से पेमेंट हुआ है। तीनों का रेट अलग अलग है, एक को 6 के हिसाब से दिए 6.2 के हिसाब से, एक को 6 के हिसाब से दिए और एक को 5.7 से। ये रेट वेरिएंस निकालने के समय काम आएगा। तो ये क्वेश्चन की रीडिंग हो गई। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा पढ़ते हैं। सारे वेरिएंसेस पूछा है क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले लेबर वेरिएंस में लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाला जाता है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है SR × SH माइनस AR × AH। और यहाँ पे AH कौन सा होता है, एक्चुअल आवर पेड फॉर, ठीक है दोस्तों। तो SR × SH कैसे करेंगे, देखो बेटा SR का फिगर अपन निकाल के रखे थे 6, ये रहा बेटा 6 रुपीज़। देखो SR जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया था, ये रहा 6, रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये 6 दिया था। और SH हमने निकाला था बेटा, बड़ा वाला SH देखो 4160। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस के लिए 6 × 4160 करेंगे, 6 × 4160 करेंगे तो 24960 आएगा। देखो बेटा ये रहा 24960। और माइनस क्या करना है, AR × AH। अब AR × AH थोड़ा यहाँ पे टेक्निकल है क्योंकि यहाँ पे तीन तीन AR है, 6.2 भी एक्चुअल रेट है, 6 भी है और 5.7 भी है। तो 6.2 हमने कितने आवर्स के लिए दिया, अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझा रहा था, याद करिए। ये देखिए ये वाला फ्लो चार्ट, हमने 420 आवर्स के लिए 6.2 का पेमेंट किया, 1260 आवर्स के लिए 6 का पेमेंट किया और 2520 आवर्स के लिए 5.7 का पेमेंट किया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊं तो कैसे लिखूंगा, 420 आवर्स के लिए 6.2 से पेमेंट हुआ प्लस 1260 आवर्स के लिए, ये देखिए 1260 आवर्स के लिए 6 के रेट से पेमेंट हुआ। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 420 आवर्स का 6.2 के हिसाब से पेमेंट हुआ, ये 2604 हो गया। फिर 1260 आवर्स का रेट 6 के हिसाब से पेमेंट हुआ तो ये 7560 हो गया। और 2520 आवर्स का पेमेंट 5.7 से हुआ। तो ये कंपनी का एक्चुअल लेबर कॉस्ट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो जेब से देना पड़ा। इन तीनों का जो समेशन है वो 24528 आ रहा है, तो 24528 को यहाँ डालेंगे सर। और स्टैंडर्ड कॉस्ट था 24960 माइनस 24528, 432 का फेवरेबल लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है। इसके बाद निकालते हैं सर अपन लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, SR − AR, दोनों एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस ब्रैकेट में जाएगा और मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल आवर पेड फॉर से, AHP से। तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि स्टैंडर्ड रेट तो 6 है पर एक्चुअल रेट तीन तीन है, एक 6.2 भी है, फिर एक 6 है और एक 6 - 5.7 भी है। और आपको
अब ये करना है कि जो 6.2 एक्चुअल रेट था वो कितने आवर्स के लिए था, वो 420 के लिए था। फिर जो 6 था वो कितने आवर्स के लिए था, वो आपका 1260 आवर्स के लिए था। और जो 5.7 था वो कितने आवर्स के लिए था, वो 2520 आवर्स के लिए था, विच इज़ एग्जैक्टली डन हियर। तो इसका आंसर आप मिला लेंगे सर, ये आपका लेबर रेट वेरिएंस होगा। अब बचता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए एस एच माइनस ए एच डब्ल्यू करते हैं, एस एच माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड करते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट से तो इस क्वेश्चन में बेटा एक्चुअल आवर्स जो स्टैंडर्ड आवर्स जो लगने चाहिए थे वो तो 4160 लगने चाहिए थे, और जो एक्चुअल आवर वर्कड हुआ है आपको याद होगा 4200 में से 5% आइडल टाइम में ख़राब हो गया था, तो उसको हटाने के बाद 3990 आया था। तो एस एच माइनस ए एच और स्टैंडर्ड रेट आपको मालूम है बेटा 6 रुपीज़ है। तो ये कैलकुलेशन किया है इंस्टीट्यूट ने 1020 फेवरेबल। अब बच जाता है आइडल टाइम वेरिएंस। वो मैं आपको कैसे सिखाया था आइडल टाइम का, ये मैं अपनी अप्रोच से बता रहा हूँ। एक्चुअल आवर वर्कड पहले लिखेंगे, एक्चुअल आवर पेड बाद में लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। तो 3990 माइनस 4200 इंटू स्टैंडर्ड रेट 6, तो जो इसका आंसर आएगा वो 1260 एडवर्स आएगा सर, 1260 एडवर्स। व्हाट ए गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 7 लेबर का। NPX लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। पढ़ाने से पहले ही बोल देता हूँ बेटा, इसमें ना मोर देन वन लेबर का क्वेश्चन है, मोर देन वन लेबर, और इसमें फिर इसी कारण यील्ड और मिक्स वेरिएंस भी निकलेंगे, तो थोड़ा अकॉर्डिंगली पढ़िएगा। NPX यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट एक्स। फॉलोइंग इज द बजट डेटा गिवन इन रिलेशन टू लेबर आवर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। मतलब अभी जो डेटा नीचे पढ़ेंगे वो एक यूनिट प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स लगेंगे वो दिया हुआ है। सो दैट बिकम्स फॉर अस स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। तो स्किल्ड वर्कर के 2 आवर्स लगेंगे। पहले वर्कर का नाम है स्किल्ड वर्कर, ये देखो मैं थोड़ा ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ, बड़ा स्किल्ड वर्कर, इसके 2 आवर्स लगेंगे। साथ में सेमी स्किल्ड वर्कर के 3 आवर्स लगेंगे, सेमी स्किल्ड वर्कर के 3 आवर्स लगेंगे, और अनस्किल्ड वर्कर के 5 आवर्स लगेंगे। अनस्किल्ड वर्कर के 5 आवर्स बनेंगे तब जाके एक यूनिट प्रोडक्ट बनेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तब जाके एक यूनिट प्रोडक्ट बनेगा। तो आप ऐसे समझिए कि एक एक लेबर अपने आप में सेपरेट है। तो अपन एक बात पे फोकस करते हैं कि एक यूनिट प्रोडक्ट को बनाने में स्किल्ड वर्कर के 2 आवर्स लगने हैं। तो बेटा जो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट होते हैं, जब उसको एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल स्टैंडर्ड आवर आता है। तो इस क्वेश्चन में जस्ट नीचे देखिए, इन द मंथ ऑफ जनवरी टोटल 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस लिखा है। तो इसका मतलब 10,000 इज एक्चुअल आउटपुट एंड 2 आवर्स, दिस 2 आवर्स इज स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट। सो इफ वी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट विद टोटल यूनिट्स आउटपुट, देन वी गेट टोटल स्टैंडर्ड आवर्स। तो इसीलिए स्किल्ड वर्कर का जो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स आएगा ना दोस्तों, वो आएगा 2 × 10,000, 20,000। सेमी स्किल्ड का आएगा 3 × 10,000, 30,000, और अनस्किल्ड का आएगा 5 × 10,000, 50,000। ये है स्टैंडर्ड आवर्स, और स्टैंडर्ड रेट पर आवर तीनों वर्कर्स का दिया हुआ है बेटा, 6, 4 और 3। तो बधाई हो, SR और SH का बंदोबस्त हो गया है। अब इसके बाद अपने को AR और AH चाहिए होता है। तो नीचे ये एक्चुअल का डिटेल है, इसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअली इतने आवर्स काम हुआ या इतने आवर्स का पेमेंट हुआ। तो 18,000 आवर्स स्किल्ड का, सेमी स्किल्ड का 33,000 एंड अनस्किल्ड का 58,000। मेरे को लाइन बीच की पढ़नी चाहिए थी। इन द मंथ ऑफ जनवरी टोटल 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग आर द डिटेल्स। तो ये टेबल एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये जनवरी मंथ खत्म होने के बाद बनाया गया है। तो स्किल्ड वर्कर्स ने 18,000 आवर्स काम किया, सेमी स्किल्ड ने 33,000 आवर्स काम किया,
और अनस्किल्ड ने 58,000 आवर्स काम किया. दिस विल बिकम एक्चुअल आवर्स एंड दिस इज रेट, सो दैट विल दिस विल बी एक्चुअल रेट पर आवर. और दोस्तों 18,000 इंटू 7 करने से ये आ रहा है, 33,000 इंटू 3.5 करने से ये आ रहा है, और 58,000 इंटू 4 करने से 232 आ रहा है. इससे ये प्रूव होता है कि ये एक्चुअल आवर्स पेड फॉर है, मतलब एम्प्लॉयर ने जितने आवर्स का पेमेंट किया ना, ये वो आवर्स है. इसके जस्ट नीचे लिखा है एक्चुअल आइडल आवर्स ड्यूरिंग द मंथ, स्किल्ड के 500, सेमी स्किल्ड के 700 और अनस्किल्ड के 800. इसका क्या रोल होगा? चूंकि आइडल आवर्स दिए हैं, इसका मतलब जितने आवर्स का हमने पेमेंट किया उसमें से कुछ आवर्स का वर्क नहीं हुआ, उसी को आइडल आवर्स बोलते हैं. तो जब एक्चुअल आवर्स पेड में से आइडल आवर्स को रिमूव कर देंगे, तो एक्चुअल आवर्स वर्कड आएगा बेटा. तो स्किल्ड का जो एक्चुअल आवर वर्कड होगा ना, वो होगा 18,000 माइनस ये वाला 500, तो 17,500 AHW आएगा. सेमी स्किल्ड का 33,000 माइनस 700, 32,300 और अनस्किल्ड का 58,000 माइनस 800, 57,200. तो ये AHW की डिटेल है, ये AHP की डिटेल है, ये एक्चुअल रेट की डिटेल है और ये SR और SH की डिटेल है. सारी डिटेल अवेलेबल हो गई सर. अब जो चाहे पूछ सकता है. ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट लेबर वेरिएंस. तो सबसे पहले कौन सा वेरिएंस निकलता है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस. लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला एक बार बोल दो बेटा रिवाइज करके. SR इंटू SH माइनस AR इंटू AH, पर AH में कौन सा, AHP की AHW? द आंसर इज AHP. अब देखिए आंसर से रिकनसाइल करा रहा हूँ. लेबर कॉस्ट वेरिएंस में SR इंटू SH माइनस AR इंटू AHP करना है. तो SR इंटू SH बेटा ये रहा डिटेल, देखो 6 into 20,000, 4 into 30,000, 3 into 50,000 ये करेंगे. तो देखो 6 into 20,000, 4 into 30,000, 3 into 50,000 और AR इंटू AHP करना है. तो AHP ये रहा बेटा 18,000 इंटू 7, 33,000 इंटू 3.5, 58,000 इंटू 4. देखो ये डिटेल सेम टू सेम रिकनसाइल हो रही है. इससे इंडिविजुअल वर्कर का एडवर्स या फेवरेबल वेरिएंस आएगा, इन सबको सम कर देंगे तो कंपनी एज अ होल का लेबर कॉस्ट वेरिएंस आएगा. अगला लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बाद कौन सा निकालते हैं दोस्तों? लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बाद लेबर रेट वेरिएंस निकालते हैं, फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं, फिर लेबर आइडल टाइम वेरिएंस निकालते हैं. सीक्वेंस कुछ भी रखो पर ये तीन वेरिएंस निकालने पड़ेंगे. रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें रेट का डिफरेंस रहता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल आवर्स पेड फॉर से, AHP से. तो SR और AR का डिफरेंस ये क्वेश्चन से दिख सकता है आपको. 6 माइनस 7 स्टैंडर्ड रेट पहले रहेगा, एक्चुअल रेट बाद रहेगा. तो 6 माइनस 7, 4 माइनस 3.5, 3 माइनस 3, 4, ये रेट के डिफरेंस हो गए क्वेश्चन से देख के. और AHP से मल्टीप्लाई करना है, तो AHP 18,000, 33,000 और 58,000. तो देखिए इनसे इससे मल्टीप्लाई हो गया. अब इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इंडिविजुअल वेरिएंसेस आ जाएंगे और इन वेरिएंसेस का सम्मेशन किया गया है तो 59,500 एडवर्स. इसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? SH माइनस AH इंटू स्टैंडर्ड रेट, पर AH कौन सा बेटा? पेड फॉर की वर्कड, यहाँ पे वर्कड आएगा क्योंकि एफिशिएंसी नापने के लिए हमको वर्कर के एक्चुअल आवर्स वर्कड को कंपेयर करना चाहिए. SH क्या शो करता है? कितने आवर्स लगने चाहिए थे. AH ये शो करता है कि कितने आवर्स सच में लगे, और लगे का मतलब जितने आवर्स उन्होंने काम किया. अगर हमको वर्कर की एफिशिएंसी नापनी है ना, तो हमको उसके स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर वर्कड को कंपेयर करना चाहिए, पेड फॉर को नहीं. तो लेबर एफिशिएंसी में SH माइनस AHW आएगा इंटू स्टैंडर्ड रेट. और AHW देखो बेटा मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था 17,500, 32,300 और 57,200. तो ये AHW आ जाएंगे तीनों के. और SH मैंने आपको क्वेश्चन में लिखवाया था ये 20, 30 और 50. तो 20, 30 और 50 ये हो गए. इनको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 4 और 3. तो ये फिर इंडिविजुअल आ जाएंगे. और अब बच जाता है आपका फेवरेट आइडल टाइम वेरिएंस. उसका फॉर्मूला हमारे हिसाब से क्या होता है? हम लोग हमेशा AHW पहले लिखते हैं और AHP बाद में लिखते हैं ताकि एडवर्स वेरिएंस आंसर आए और मल्टीप्लीकेशन होगा स्टैंडर्ड रेट से. तो आइडल टाइम
पहले वाले का बेटा ये यही आइडल टाइम है, आप देखो 500, 700 और 800 यही आइडल टाइम है और आंसर हमेशा एडवर्स में आना चाहिए। तो 500 इंटू 6, 700 इंटू 4 और 800 इंटू 3। अब बच जाता है आपका लेबर यील्ड और मिक्स वेरिएंस। इसको यील्ड और मिक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला पहले यील्ड के लिए देखो, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ प्रीवियस पेज में। ये जो अपन फॉर्मूला एफिशिएंसी का देखे थे ना, एफिशिएंसी का, इसी के दो पार्ट होंगे सर, इसी के बीच में आरएसएच आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला बनेगा एसआर इंटू एसएच माइनस आरएसएच, दूसरा बनेगा एसआर इंटू आरएसएच माइनस एएचडब्ल्यू। जो पहला रहेगा एसएच माइनस आरएसएच वो यील्ड रहेगा और जो आरएसएच माइनस एएचडब्ल्यू है वो मिक्स रहेगा। अब सवाल उठता है कि आरएसएच कैसे निकलता है, आरएसएच, तो उसके लिए क्या समझाया हूँ बेटा, फर्स्ट पेज में आ जाइए। इसमें आपको पहले AHW का सम करना पड़ेगा, एक्चुअल आवर वर्कड का, विच इज 17,500 प्लस 32,300 प्लस 57,200। ये तीनों को सम करके 1,07,000 आवर्स आ रहा है और जो AHW का सम है ना उसको डिवाइड करेंगे इन रेशियो ऑफ SH, इन रेशियो ऑफ SH, और SH ऊपर ये रहा 20, 30 और 50, मतलब 1 लाख आवर्स, तो 20%, 30% और 50% हो जाएगा। तो 1,07,000 इंटू 20%, 21,400 पहले वाले का आएगा, 30%, 32,100 दूसरे का आएगा और 50%, 53,500 तीसरे का आएगा। दिस विल बी रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ऑल द थ्री वर्कर्स, 21,400, 32,100 और 53,500। देखो बेटा वही किया है, ये वही आएगा करने से, और फिर फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। आई थिंक इनफ गाइडेंस इज गिवन। अब दोस्तों नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 8 समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में एक चीज बस आप नोटिस कीजिए कि आपको बस SR, SH, AR, AH पता चल जाए तो उसके बाद आगे सिर्फ फॉर्मूला है बेटा। और अभी वीडियो आगे देखने से पहले आप लोग को फॉर्मूला याद हो तो आगे देखिए, नहीं तो फॉर्मूला याद करने पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला इज मोर इम्पॉर्टेंट। और एक बार वो याद हो जाए तो SR, SH, AR, AH बता दूँ ना तो आप आगे क्वेश्चन मत पढ़िए, उसके बाद सारा मैथमेटिकल है और कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन की सबसे मेन पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, सबसे मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन की। बाकी SR, AR, AH सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ आप तीनों टाइप के वर्कर का, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का, अगर आप स्टैंडर्ड आवर्स निकालना सीख गए ना तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का अगर आता है तो पूरे 10 मार्क्स आपके अंदर, बस आपको स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकल रहा है इस क्वेश्चन में वो सीखना है। देखिए स्टैंडर्ड आवर सिखाने से पहले एक चीज पहले फाइनल कर लेते हैं, स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर तीनों वर्कर का 3, 2 और 1 दिया हुआ है, तो मतलब SR मिल गया, और एक्चुअल वेज रेट पर आवर 4, 3 और 2 ये AR मिल गया। फिर AH एक बार फाइनल कर लेते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड 28, स्किल्ड वर्कर्स ने काम किया, 28 स्किल्ड नंबर ऑफ वर्कर्स ने काम किया और एक वीक है 40 आवर्स की। तो अगर 28 वर्कर्स 40 आवर्स काम करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो 28 इंटू 40, 1120 विल बी द टोटल लेबर आवर्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर को हर वर्कर के वर्किंग आवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 28 इंटू 40 किए तो 1120 आया। लाइकवाइज सेमी स्किल्ड वर्कर्स एक्चुअली में 18 वर्कर्स काम किए 40 आवर्स के लिए, तो उनका एएच कैसे आएगा 18 इंटू 40 करके। और अनस्किल्ड वर्कर्स 4 वर्कर्स काम किए 40 आवर्स के लिए, तो 4 इंटू 40 160 इनका एएच आएगा। तो अब तक आप सेटिस्फाइड हो जाइए कि एसआर, एआर और एएच निकल गया है। इस क्वेश्चन में कोई आइडल टाइम का हिंट नहीं है तो एएच को एएच पेड फॉर वर्क फर्दर क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है और ना ही आइडल टाइम वेरिएंस निकलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात,
कि स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेंगे। बेटा इस क्वेश्चन को अब मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ। द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्चुअल लेबर एंगेज्ड इन ए वीक फॉर अ जॉब आर एज अंडर। हिंदी में इसका मतलब हुआ एक जॉब को करने के लिए कितने लेबर को एम्प्लॉय करना चाहिए और सच में कितने लेबर एम्प्लॉय हुए उसका डिटेल नीचे दिया है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे बेटा, मैं सब मिटा के सिर्फ इसी को पढ़ूंगा। इसको वी विल रीड लाइक दिस कि 32 स्किल्ड वर्कर्स, 12 अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स और 6 अनस्किल्ड वर्कर्स, तीनों की एक बार काउंटिंग कर लीजिए। 32 प्लस 12 प्लस 6 इज 50, टोटल 50 वर्कर्स जब 40 आवर्स ड्यूरिंग अ वीक काम करते हैं देन द गैंग मे प्रोड्यूस 1800 लेबर आवर्स ऑफ वर्क। प्लीज अंडरस्टैंड 32 स्किल्ड प्लस 12 सेमी स्किल्ड प्लस 6 अनस्किल्ड, इन टोटल देयर आर 50 वर्कर्स एंड ईच ऑफ द वर्कर इज वर्किंग फॉर 40 आवर्स। जस्ट मल्टीप्लाई 50 वर्कर्स इंटू 40 आवर्स पर वर्कर, दिस विल गिव यू 2000 आवर्स। तो 2000 आवर्स के लिए ये लोग अगर काम करते हैं, जब ये लोग 2000 आवर्स काम करते हैं ना, तब नॉर्मल है दैट द गैंग मे प्रोड्यूस 1800 लेबर आवर्स वर्क। मतलब ये तीनों मिलके जब 2000 आवर्स काम करते हैं वो भी इस रेशियो में, 3200 स्किल्ड, 3200 इंटू 40 स्किल्ड का योगदान होना चाहिए, 1200 इंटू 40 सेमी स्किल्ड का और 6 इंटू 40 अनस्किल्ड का, जब इनका इतना योगदान होता है तो टोटल ग्रॉस 2000 आवर्स काम होता है और उस 2000 आवर्स में ना 1800 आवर्स का वर्क हो पाता है। दिस इज नॉर्मल। 2000 घंटे ये लोग काम करते हैं ना तो 1800 आवर्स का वर्क हो पाता है। तो स्टैंडर्ड आवर यहां पे किसको बोलेंगे मालूम आपको, कि कैसे निकलेगा, जो स्किल्ड वर्कर्स है ना, देखो एक चीज नोटिस करो, जब ये तीनों के तीनों वर्कर 2000 आवर्स काम करते हैं तो 1800 आवर्स का वर्क जनरेट होता है, यानी 1800 आवर्स का वर्क जनरेट करने के लिए इनको 2000 आवर्स काम करना पड़ता है। तो इसीलिए स्किल्ड वर्कर का स्टैंडर्ड आवर कैसे निकलेगा, जब 2000 आवर्स में से 1800 आवर्स का ही वर्क निकलता है, मतलब 10% वेस्ट हो जाता है, तो स्किल्ड वर्कर्स का SH कैसे आएगा, जब स्किल्ड वर्कर्स 32 आवर्स इंटू 32 वर्कर्स इंटू 40 आवर्स काम करते हैं तो 32 इंटू 40 गिव्स यू 1280 आवर्स। तो भाइयों इनका भी तो 10% खराब हो जाता होगा। ये लोग भी जब 1280 आवर्स काम करते होंगे तो इनका भी तो 10% खराब हो रहा होगा, क्योंकि अभी अपन क्या सीखे कि तीनों वर्कर मिलके 2000 आवर्स काम करते हैं तो 1800 घंटे का काम निकलता है, यानी 10% सबका लॉस्ट होता है। तो अगर स्किल्ड वर्कर 32 इंटू 40 काम किया होगा यानी 1280, तो उसमें से उसका 10% खराब हो गया होगा, तो 1152 विल बिकम द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। लाइकवाइज सेमी स्किल्ड का 12 वर्कर्स 40 आवर्स के लिए काम करेंगे तो 12 इंटू 40 इज 480 और 480 में से इसका भी 10% खराब हो गया होगा तो 432 आएगा। और अनस्किल्ड में 6 इंटू 40 240 आवर्स का काम होगा तो 10% हटा के 216 शुड बी द SH ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ SH ऑफ ऑल द थ्री। देखो बेटा ऐसे कैलकुलेट किया गया है कि 32 इंटू 40 काम किया इन्होंने, 32 इंटू 40 तो 1280 आया, तो 1280 इन्होंने काम किया वो 2000 आवर्स के बराबर है। 2000 आवर्स में इतना एफर्ट, इतना इनका योगदान था, बट प्रोडक्टिविटी तो 18 आवर्स की निकलती है, 1800 आवर्स की, तो 1800 आवर्स के आउटपुट के लिए इनको कितने आवर्स देने चाहिए थे, दैट इज द कैलकुलेशन। अगर और इजी तरीके से समझाऊं ना बेटा, तो 1800 लेबर आवर्स यहां पे खुद टोटल स्टैंडर्ड आवर्स है, 1800 आवर्स यहां पे खुद टोटल स्टैंडर्ड आवर्स है,
ये, और टोटल स्टैंडर्ड आवर्स को आप बस ये वर्कर्स के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, वर्कर्स के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 32:12:6, तो भी आपका ये आंसर आ जाएगा और वो स्टैंडर्ड आवर्स है। और एक बार SH, AH और सारा कुछ है तो अब सारे वेरियंसेस निकल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा। दिस क्वेश्चन कवर्स मटेरियल एज वेल एज लेबर वेरियंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए साथ में पढ़ते हैं। पेज नंबर 13.56, क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट, एक्चुअली इट इज़ लाइक वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के एक यूनिट को बनाने में क्या लगता है। तो डायरेक्ट मटेरियल तीन टाइप के लगते हैं बेटा, ए, बी और सी। ए दो यूनिट लगता है, सो दिस दो यूनिट इज व्हाट मालूम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। दिस थ्री इज व्हाट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। दिस 15 इज व्हाट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। एंड वेन एवर वी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट विद एक्चुअल आउटपुट, वी गेट द टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दिस 4 रुपीज, 3 रुपीज एंड 1 रुपीज, ऑल दीज आर स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, SP बोलते हैं जिसको अपन। और ये 2, 3 और 15 जो है ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट है। तो एक बार हमको एक्चुअल आउटपुट मिल गया ना, तो हम देखिए जैसे नेक्स्ट पेज में आपको एक्चुअल आउटपुट मिलेगा, द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 6000 यूनिट्स। तो आउटपुट 6000 है ना, तो 6000 इंटू 2 करेंगे तो ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगा 12000, फिर 6000 इंटू 3 करेंगे तो 18000 आएगा बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और 6000 इंटू 15 करेंगे 90000, दैट विल बी द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सी। यानी जितना आउटपुट हमने बनाया उसमें ए कितना लगना चाहिए था, बी कितना लगना चाहिए था, सी कितना लगना चाहिए था, ये पता चला। और किस रेट से लगना चाहिए था, वो 4, 3 और 1, दैट इज़ स्टैंडर्ड प्राइस। सो दिस इज़ हाउ वी विल कैलकुलेट SQ एंड SP। एंड इन द नेक्स्ट पेज यू आर गिवन दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ऑफ A, B एंड C। दिस इज़ AQ, डायरेक्ट टोटल AQ है, ये तीनों का AQ आ गया। तो SQ निकालेंगे कैसे वो बताया, AQ निकल गया, SQ पिछले पेज में दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस पिछले पेज में दिया है, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे है और एक्चुअल प्राइस ये है 4.4, 2.8 और 1.2। सो दिस सेटल्स द मटेरियल वेरियंसेस। एक बार देखो बेटा, ये AQ है, ये AP है और SQ जैसे मैंने आपको बताया, जो आउटपुट है 6000, तो 6000 इंटू 2, 3 और 15 करेंगे, 6000 इंटू 2 विल गिव यू 12000, 6000 इंटू 3 विल गिव यू 18000 एंड 6000 इंटू 15 विल गिव यू 90000। सो दिस विल बी द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस वॉज ऑल्सो गिवन इन द प्रीवियस पेज, 4, 3 एंड 1। तो बेटा ये डेटा देख लीजिए बस, जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके बेसिस पे आप सारा निकाल सकते हो। देखो तीनों टाइप के रॉ मटेरियल का AQ स्क्रीन पे दिख रहा है, तीनों टाइप के रॉ मटेरियल का एक्चुअल प्राइस स्क्रीन पे दिख रहा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिख रही है, स्टैंडर्ड प्राइस दिख रहा है। इसके आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बेटा रिवीजन क्लास में, बाकी फॉर्मूले से बन जाएगा। जैसे आपको कॉस्ट वेरियंस अगर निकालना है तो SQ इंटू SP तीनों का करोगे माइनस AQ इंटू AP, सो ईजी तीनों का। रेट वेरियंस निकालना है तो SP माइनस AP और इंटू AQ। जब एफिशिएंसी वेरी लेबर मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है तो क्वांटिटी का डिफरेंस SQ माइनस AQ इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, यू कैन डू इट। तो मटेरियल का प्राइस और यूसेज वेरिएंस बोला है, मांगा है, वो बन जाएगा। अब बनाते हैं सर लेबर के बारे में। तो एक यूनिट लेबर, एक यूनिट प्रोडक्ट को बनाने में, वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए कितने लेबर की ज़रूरत है, वो नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, 3 आवर्स। सो 3 आवर्स विल प्ले द रोल ऑफ स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट। एंड अगेन 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 आई एम टेलिंग, जब स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स आएगा, एक्चुअल आउटपुट इज 6000, तो 3 × 6000 विल गिव यू 18000 स्टैंडर्ड आवर्स। ये हो गया स्टैंडर्ड आवर, और रेट दिया हुआ है बेटा 8, 8 रुपीज़ विल प्ले द रोल ऑफ स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो SH और SR आ गया, अब क्या बच गया बेटा, एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल रेट।
तो कंपनी वर्कड फॉर 17,000 लेबर आवर्स, सो दिस विल प्ले द रोल ऑफ एएच, और उसमें से 17,500 घंटे में से 2,500 घंटे, 17,500 घंटों में से 2,500 घंटे का जो रेट था वो 12 रुपीज़ था, बाकी जो 15,000 आवर्स था ना उसमें स्टैंडर्ड रेट से पेमेंट हुआ है, यानी 8 रुपीज़ से पेमेंट हुआ है। इस कारण से इस 15,000 आवर्स का जो रेट वेरिएंस आएगा वो तो निल आएगा, क्योंकि इस 15,000 आवर्स में हम स्टैंडर्ड रेट के बराबर पे कर रहे हैं, मतलब SR और AR सेम होने वाला है, तो जो रेट वेरिएंस निकलेगा वो सिर्फ 2,500 आवर्स पे निकलेगा। चलिए फिर भी निकलवा लेता हूँ, लेबर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट वेरिएंस बेटा फॉर्मूला क्या होता है, SR माइनस AR इंटू AH। तो बेटा यहाँ पे SR आप जानते हो 8 है और AR आप जानते हो 12 है, तो 8 माइनस 12 कितने आवर्स के लिए, 2,500 आवर्स के लिए, बाकी 8 माइनस 8 ही रहेगा कितने आवर्स के लिए, 15,000 आवर्स के लिए, तो ये तो निल हो जाएगा सर, और ये जो आएगा 2,500 इंटू 4, तो 1,000 रुपीज़ एडवर्स विल बी योर रेट वेरिएंस। और एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है SH माइनस AHW इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पे AHW और AHP एक ही चीज़ है, तो SH वॉज 18,000 यू कैन सी, तो 18,000 और एक्चुअल आवर्स वर्कड वॉज 17,500 यू कैन सी SH माइनस AHW, और स्टैंडर्ड रेट वॉज योर 8 रुपीज़, तो 8 इंटू 17,500 माइनस 18,000 माइनस 17,500 दैट इज़ 500 इंटू 8 दैट इज़ 4,000। दिस इज़ हाउ यू विल कंप्यूट, आई थिंक इट इज़ इनफ गाइडेंस। नाउ लेट अस शिफ्ट फोकस एंड लर्न द फॉर्मूला ऑफ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। तो स्क्रीन पे देखते रहिएगा, वेरिएबल ओवरहेड में सबसे पहला जो फॉर्मूला निकलता है वो है कॉस्ट वेरिएंस का, उसका फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड रेट पर आवर दैट इज़ SR इंटू स्टैंडर्ड आवर्स SH, SH का वही फॉर्मूला है बेटा, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट, SR इंटू SH माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, यानी AR इंटू AH, बट यहाँ AR इंटू AH नहीं बोल के एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, मतलब कितना इंकर हुआ, दैट विल बी कॉल्ड कॉस्ट वेरियंस। There are only two sub-variances of variable overhead variance, only two. Please remember the formula and the name. First is called variable overhead expenditure variance and another is called variable overhead efficiency variance. Expenditure variance ka formula hai standard rate per hour, yani ye, into एक्चुअल आवर्स SR इंटू AH, SR इंटू AH माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, नोटिस करो, ये SR इंटू SH माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है, ये SR इंटू AH माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है। तो फर्क क्या है बेटा, सिर्फ इस बात का फर्क है SH और AH का। ये SH और AH का जो डिफरेंस है ना, ये वाला जिसको मैं एकदम पॉइंट आउट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, आप ऐसे इस बहाने याद कर लीजिए, एफिशिएंसी में इसी का डिफरेंस लेना है, SH माइनस AH आवर्स का डिफरेंस, जैसे लेबर में होता था आवर्स का डिफरेंस, और बाहर मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, वही स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स से। सो दिस इज़ द फॉर्मूला शीट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है जिसके मार्क्स मिलेंगे, How to compute standard rate per hour? Standard rate per hour is like a predetermined, यानी कि budgeted, it is a predetermined budgeted overhead per hour. जैसे अपन overhead chapter में absorption rate निकालते थे ना, वैसे, जिसका formula होगा budgeted variable overhead, डिवाइडेड बाय बजेटेड आवर्स, बजेटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन बजेटेड आवर्स, दिस विल गिव यू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिए।
और आप इससे ये भी याद कर सकते हो कि ट्रांसपोजिशन करेंगे अगर, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर इनटू बजेटेड आवर्स करके बजेटेड वेरिएबल ओवरहेड भी आ सकता है। ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फ्रॉम स्टडी मटेरियल। अब ये क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 9 देखेंगे, पेज नंबर 13.36 में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जी लिमिटेड प्लीज कॉन्सेंट्रेट, कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। जस्ट फॉर रिवीजन, आपको अभी अभी मैं समझाया कि सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकलता है, उसी के अंदर दो होते हैं, एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, एस आर इंटू एस एच माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इसमें करते थे, और एक्सपेंडिचर में एस आर इंटू ए एच माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड करते थे, और एफिशिएंसी वेरिएंस में एस आर इंटू एस एच माइनस ए एच। राइट सर, ये चीज करनी है। अब मेन टास्क है अपने को ये जो फॉर्मूले के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एस आर एस एच ए एच ये सब निकल के आ जाना चाहिए। तो डेटा क्या दिया है, सबसे पहले दिया है बजेटेड प्रोडक्शन 6000 यूनिट्स, यानी कंपनी 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का प्लान रखी थी। उसके बाद लिखा है बजेटेड वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000। भाइयों आपको याद होगा मैं आपको समझाया था कि स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैसे निकलता है, बजेटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजेटेड आवर्स करके निकलता है, आपको याद होगा अभी अभी समझाया था। तो बजेटेड वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000 दिया है, ये न्यूमरेटर बनेगा। और आगे देखिए स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ आउटपुट 2 आवर्स, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, एस एच पर यूनिट 2। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा, ये स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट को अगर अपन एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल स्टैंडर्ड आवर्स बन जाता है, और अगर इस स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट को बजेटेड आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों तो ये बजेटेड आवर्स बनता है। स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये पता चलता है कि एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कायदे से कितने आवर्स लगने चाहिए थे, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स। और स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट को बजेटेड आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे पता चलता है कि बजेटेड आउटपुट को बनाने में कितने आवर्स लगते, दैट विल बिकम बजेटेड आवर्स। तो ये जो एस आर पर आवर है मेरे दोस्तों, ये एस आर पर आवर कैसे निकलता है, मैं बोला बजेटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन बजेटेड आवर्स करके, तो बजेटेड वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000 है। और बजेटेड आवर्स कैसे आएगा, जब अपन ये 2 आवर्स को 6000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आवर्स हो जाएगा। तो 1,20,000 रुपीज अपॉन 12,000 आवर्स विल गिव यू 10 रुपीज पर आवर, दिस विल बिकम स्टैंडर्ड रेट पर आवर माय डियर फ्रेंड्स। और इस 2 आवर्स को अगर 5,900 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मतलब एस एच पर यूनिट को ए ओ से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एस एच आ सकता है। तो 2 आवर्स इंटू 5,900 यूनिट्स ये कर रहा हूँ मैं, तो इससे आपका 11,800 आएगा, दिस 11,800 विल बी स्टैंडर्ड आवर्स। सो बधाई हो आपको, एस आर पता चल गया है दैट इज 10, और एस एच पता चल गया है दैट इज 11,800, एस आर 10 और एस एच 11,800। इसके बाद पढ़िए बेटा, एक्चुअल प्रोडक्शन का डेटा दिया है और फिर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इंकर्ड 1,22,000, तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इंकर्ड है 1,22,000। तो ये भी बहुत काम का डेटा है, हमारे जो फॉर्मूले थे अगर आप ध्यान दो तो उसमें ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड और ये वाला एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड काम आता है, तो वो दे दिया है क्वेश्चन में 120, और एक्चुअल आवर्स वर्कड 11,600, तो ए एच दे दिया है क्वेश्चन में 11,600। ए एच कहाँ काम आएगा बेटा, ए एच देखो यहाँ पे काम आएगा, एक ए एच यहाँ पे काम आएगा और एक यहाँ पे काम आएगा। सो देखा जाए तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल चुके हैं क्वेश्चन के अपने को। अब अगर अपने को सॉल्व करना है तो पहले वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है,
उसके लिए क्या फॉर्मूला होता? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस के लिए एस आर इंटू एस एच माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो एस आर इंटू एस एच के लिए ये रहा एस आर, ये रहा एस एच, तो 10 इंटू 11,800 माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड यानी 1,22,000। तो ये कैलकुलेशन किया जाएगा। ये बुक वाले की अप्रोच दूसरी और हमारी अप्रोच दूसरी है। 10 इंटू 11,800 माइनस 1,22,000 करेंगे हम लोग अपनी अप्रोच के अनुसार। तो हमारा 4,000 एडवर्स हमारा भी आ जाएगा, इन्होंने दूसरी अप्रोच से निकाला है। फिर दूसरा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का हमारे हिसाब से क्या फॉर्मूला होता है? एस आर इंटू ए एच माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो एस आर इंटू ए एच के लिए एस आर कितना है बेटा? एस आर आपका अभी अभी समझाया 10 रुपीज़ है और ए एच ये रहा 11,600। तो 10 इंटू 11,600 माइनस 1,22,000, सो दिस विल कम एट 6,000 एडवर्स। और अब बचा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका फॉर्मूला एस आर इंटू एस एच माइनस ए एच। तो एस एच क्या है? एस एच है 11,800 माई डियर फ्रेंड्स, ए एच है 11,600। तो 11,800 माइनस 11,600 200 आवर्स ब्रैकेट के अंदर आएगा और स्टैंडर्ड रेट 10 रुपीज़ है, तो 2,000 फेवरेबल। इस प्रकार आई होप यू अंडरस्टैंड। और कभी भी वेरिएबल ओवरहेड में कोई सब वेरिएंस नहीं होता, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और दोस्तों वेरिएबल ओवरहेड का देख लेते हैं, प्योरली वेरिएबल ओवरहेड का फुल स्पीड में। एक बार हमारा एस आर, एस एच, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड अगर आ गया और ए एच आ गया तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बस फॉर्मूला बेस्ड बन जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़े ही बस इसी नज़र से कि आप ये सब निकाल पा रहे हैं कि नहीं। द फॉलोइंग डेटा फॉर पी लिमिटेड, पी जी लिमिटेड इज गिवन। देखिए, बजेटेड प्रोडक्शन 400 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन 360 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन काम आएगा स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए। एस एच पर यूनिट को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एस एच आता है, और एस एच पर यूनिट को बजेटेड आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बजेटेड आवर्स आता है। मैन आवर्स टू प्रोड्यूस अबव, यानी ये 400 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे? 8,000। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ सर। एस एच का फॉर्मूला होता है एस एच पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट। बोलो यस सर, एस एच का फॉर्मूला, आई हैव बीन टेलिंग दिस सो नंबर ऑफ टाइम्स दैट टोटल एस एच इज इक्वल टू एस एच पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट। नाउ द टाइम हैज कम दैट आई हैव टू टेल यू द फॉर्मूला ऑफ एस एच पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, ये कैसे निकलता है। अगर ये क्वेश्चन में दे दे तो बहुत अच्छा, पर नहीं दिया रहता है ना, तो बेटा बजेटेड आवर्स को, बजेटेड आवर्स को बजेटेड आउटपुट से डिवाइड करना पड़ता है। बजेटेड आवर्स को बजेटेड आउटपुट, यानी कितने आवर्स काम होने वाला था और कितने यूनिट बनने वाले थे, इससे पता चलेगा कि एक यूनिट में कितने आवर्स लगने वाले थे। तो मैन आवर्स टू प्रोड्यूस अबव, तो 8,000 इज योर बजेटेड आवर्स माई डियर फ्रेंड्स, 8,000 इज योर बजेटेड आवर्स, 8,000 इज योर बजेटेड आवर्स। एंड बजेटेड आउटपुट वॉज 400 यूनिट्स, तो 8,000 आवर्स में 400 यूनिट बनने वाले थे, यानी 20 आवर्स पर यूनिट लगने वाला था। सो दैट विल बी योर एस एच, दैट विल बी योर एस एच। तो एस एच पर यूनिट जो है ना बेटा, वो 20 इस प्रकार आएगा। और एक्चुअल आवर्स, ये जो डेटा है, अब मैन आवर्स टू प्रोड्यूस अबव एक्चुअल दिस 7,000, दिस इज ए एच। तो जो अपना डेटा है ना बेटा, जो जो चीज़ें अपने को चाहिए वो कैसे निकल सकती है, देखो ये जो एस एच है, टोटल एस एच, ये एस एच पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट से निकलेगा, मैंने बोला। और एस एच पर यूनिट 20 निकाला अपन ने, और एक्चुअल आउटपुट देखिए 360 दिया हुआ है, तो 20 इंटू 360 करने से टोटल एस एच आ जाएगा। और बेटा नीचे देखो दिया भी हुआ है, द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 20 आवर्स। ये 20 आवर्स तो दिया भी हुआ था, पर मैंने आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए ये फॉर्मूले के थ्रू भी बता दिया। हो सकता है पेपर में ये लाइन ना लिखी हो ना, तो भी हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट रह सकते हैं। तो 20 आवर्स इंटू 360,
तो एस एच बन जाएगा बेटा एस एच 20 आवर्स इंटू 360, दैट इज 7200 आवर्स। ओके माई डियर फ्रेंड्स, ओके माई डियर फ्रेंड्स, एस एच। और ए एच क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है बेटा 7000, ठीक है। अब बचता है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट का क्या फॉर्मूला होता है? बजेटेड ओवरहेड, बजेटेड ओवरहेड, बजेटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन बजेटेड आवर्स। तो बजेटेड वेरिएबल ओवरहेड इज 10,000 रुपीज़, ये दिया हुआ है देखिए ये वाला। और बजेटेड आवर्स भी ऊपर दिया हुआ था 8,000 आवर्स, जस्ट इसके ऊपर ये। तो ये हो गया 1.25 रुपीज़ पर आवर, दिस विल बी योर स्टैंडर्ड रेट पर आवर। और स्टैंडर्ड आवर्स आ गया, स्टैंडर्ड रेट आ गया। और उसके बाद अपने को एक एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड चाहिए था, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, वो ये दिया हुआ है बेटा, ये वाला फिगर, ये वाला 9150। सो एवरीथिंग हैज़ बीन कैप्चर्ड, नाउ वी हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। जैसे प्लीज कैलकुलेटर से करते जाइए। पहला फॉर्मूला एस आर इन वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस का, एस आर इंटू एस एच करेंगे, यानी ये एस आर इंटू एस एच, ये वाला एस आर 1.25 इंटू एस एच 7200 माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो 1.25 इंटू 7200 माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 9150। खुद से भी करिए बेटा। तो 150 एडवर्स आएगा, 150 एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 150 एडवर्स। फिर एक्सपेंडिचर वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला याद करो बेटा, एस आर इंटू ए एच। तो एस आर इज 1.25, ये एस आर इंटू ए एच, एस आर इंटू ए एच, ये तो 1.25 इंटू 7000 माइनस 9150 एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो 400 एडवर्स ये आएगा आपका वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और बच गया कौन सा, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। उसमें क्या करते हैं, एस आर एस एच माइनस ए एच करते हैं बेटा पहले। तो एस एच इज़ योर 7200, ए एच इज 7000। तो 7200 माइनस 7000 इंटू स्टैंडर्ड रेट 1.25, दैट विल गिव यू 250 फेवरेबल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंसेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिवाइज द फॉर्मूला ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंसेस। सबसे पहले होता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, जिसका फॉर्मूला सेम वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस के जैसा है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। जब मैं एफ ओ एच लिख रहा हूँ तो फिक्स्ड ओवरहेड। इसके दो वेरियंसेस होते हैं। पहला फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस और दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला सेम टू सेम इसी के जैसा है, बस एस एच की जगह बी एच आ जाएगा। तो एस आर पर आवर इंटू बजेटेड आवर्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो ये दोनों सेम हो गए। और अब आपको जैसे वेरिएबल में याद कराया था तो नोटिस कीजिए डिफरेंस, ये दोनों फॉर्मूले में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है एस एच और बी एच। तो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला बनाया गया है, एस एच माइनस बी एच यहाँ लिखेंगे सर, और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, स्टैंडर्ड रेट पर आवर से, स्टैंडर्ड रेट पर आवर से। सो जस्ट विजुअलाइज एंड लर्न द फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो ये वॉल्यूम वेरिएंस है ना सर, इसके तीन पार्ट होते हैं, वो बता देता हूँ। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन द फॉर्मूला और द नेम्स। पहला है सर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ए एच इंसर्ट कर दो मान लो आप, तो एस आर इंटू एस एच माइनस ए एच। और लास्ट वाला जो फॉर्मूला होता है ना, उसको कैपेसिटी कहते हैं, कैपेसिटी वेरिएंस। इसमें एस आर इंटू ए एच माइनस बी एच करना है आपको, ऐसे एक बार के लिए याद कर लीजिए।
बेटा एक चीज़ थोड़ा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आप कभी पढ़े हुए होंगे तो मैं एक लेवल पे आके बोल रहा हूँ, जिन क्वेश्चंस में नंबर ऑफ डेज का डिटेल नहीं दिया रहेगा उन क्वेश्चंस में यही फॉर्मूले काम आएंगे जो फॉर्मूले अभी तक मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं। आई रिपीट, जिन क्वेश्चंस में नंबर ऑफ डेज का डिटेल नहीं दिया होगा उनमें यही डेटा काम आएगा, और जिन क्वेश्चंस में नंबर ऑफ डेज का डिटेल दिया रहेगा ना, जैसे ये 11th क्वेश्चन अगर आप देखें एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें डेज का डिटेल दिया हुआ है, तो इसीलिए जब डेज का डिटेल दिया रहेगा ना तो बीच में एक और वेरिएंस निकलता है, उसको कैलेंडर वेरिएंस कहते हैं, कैलेंडर वेरिएंस। और उसका फॉर्मूला होता है एस आर, यहाँ ए एच के बाद आर बी एच भी आ जाता है, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा एस आर इंटू ए एच माइनस आर बी एच, और अगर ये फॉर्मूला आ गया तो कैपेसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा एस आर इंटू आर बी एच माइनस बी एच। ओके माई डियर फ्रेंड्स, एक हल्का सा करेक्शन मैं ठीक करूँगा बेटा अपनी बात को, जस्ट अ करेक्शन। ये ओरिजिनल फार्मूला मैंने आपको समझाया, ये कैपेसिटी का फार्मूला है, मान लीजिए आर बी एच नहीं आया और कैलेंडर वाला क्वेश्चन नहीं है, तो एस एच माइनस ए एच और ए एच एस आर इंटू ए एच माइनस बी एच, ये फार्मूला होता है कैपेसिटी का। अब मान लीजिए कि कैलेंडर वाला क्वेश्चन है और नंबर ऑफ डेज का डिटेल दिया हुआ है, तो उस केस में ना कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जो ओरिजिनल डेटा मैंने आपको दिया इसमें इसमें ए एच के साथ साथ एक बीच में आर बी एच भी आएगा, और एस आर इंटू एस एच माइनस ए एच, तो ये एफिशिएंसी हो गया, बट कैपेसिटी का फॉर्मूला बनेगा एस आर इंटू ए एच माइनस आर बी एच, और ये कैपेसिटी के बाद कैलेंडर का फॉर्मूला बनेगा, कैलेंडर का ये फॉर्मूला एस आर इंटू आर बी एच माइनस बी एच। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब आइए दोस्तों तुरंत इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन, एस आर पर आवर का फॉर्मूला होगा बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन बजेटेड आवर्स, जस्ट लाइक द सेम। स्टैंडर्ड आवर्स का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट, बजेटेड आवर्स का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट इनटू बजेटेड आउटपुट जैसे पहले किए थे, और स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट सपोज निकालना पड़ा तो उसका फॉर्मूला होगा बजेटेड आवर्स अपॉन बजेटेड आउटपुट। बस इससे ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आइए क्वेश्चन देखते हैं, और एक ट्रांसपोजिशन से एस आर पर आवर इंटू बजेटेड आवर्स करने से भी बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड आ जाता है। आइए सर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, द इलस्ट्रेशन 10, पेज नंबर है 13.41। द कॉस्ट डिटेल ऑफ जी एंड जे लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज एज फॉलोज, बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड 15 लाख, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 15,60,000। फिर देखो बेटा मैं अभी से गाइड कर रहा हूँ, जो बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड है ना वो खुद कोई काम का नहीं है, वो स्टैंडर्ड रेट निकालने के काम आएगा। जब आप बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड को बजेटेड आर्स से डिवाइड करोगे ना तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर आएगा, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपको इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो कॉस्ट वेरिएंस है उसमें एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करते हैं, जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है उसमें भी एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को माइनस करते हैं, फॉर्मूला याद कर लीजिए। फिर लिखा है बजेटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन 7500, यानी ये बजेटेड आउटपुट था, और फिर लिखा है एक्चुअल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन 7800, ये एक्चुअल आउटपुट है। जब एस एच पर यूनिट को
एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड आवर्स आता है, और स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट को बजटेड आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बजटेड आवर्स आता है। नाउ व्हाट अ डेटा, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस पर यूनिट, दैट इज SH पर यूनिट, ये 2 आवर्स दिया हुआ है, सब निकल सकता है। उसके बाद एक्चुअल आवर्स वर्कड 16,000 आवर्स दिया है। तो बेटा एक बार में मैं आपको सारा डेटा जो हमको चाहिए ना वो लिख के बता देता हूँ, आप उसके बाद ये क्वेश्चन को फॉर्मूले से खेल लेंगे। सबसे पहले अपने को मान लीजिए चाहिए स्टैंडर्ड रेट पर आवर, मान लीजिए वो चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर का फॉर्मूला क्या बताया था, बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन बजेटेड आवर्स, राइट। अब बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड और बजेटेड आवर्स कहाँ से आएगा, ये देखिए बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेड पेन से दिखा रहा हूँ बेटा, ये दिया हुआ है बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड 15 लैक्स, और बजेटेड आवर्स कैसे आएगा, अभी अभी आपको फॉर्मूला सिखाया था कि बजेटेड आवर्स ऐसे आएगा, बजेटेड आवर्स पर यूनिट इंटू बजेटेड आउटपुट, सॉरी SH पर यूनिट इंटू बजेटेड आउटपुट। तो SH पर यूनिट है 2 आवर्स, बजेटेड आउटपुट है 7500, तो 2 आवर्स इंटू 7500, तो 15 लाख अपॉन 15,000 करने से 100 रुपीज़ पर आवर आपका SR पर आवर आ जाएगा। ये SR हो गया बेटा, ये सीख गए। अब चाहिए अपने को SH, SH का फॉर्मूला क्या बताया था, SH पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट, तो SH पर यूनिट इज 2 और एक्चुअल आउटपुट इज 7800, तो 2 इंटू 7800 विल गिव यू 15,600, दिस इज टोटल SH, SR हो गया, SH हो गया। अब एक चाहिए आपको एक्चुअल, एक्चुअल वेरिएबल हो फिक्स्ड ओवरहेड, ये रहा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का फिगर बेटा 15,60,000 दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आप SR इंटू SH माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड करेंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस आ जाएगा, यानी 100 इंटू 15,600 दैट इज 15,60,000 माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड विल गिव यू 0, 0 आ रहा है बेटा कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला आंसर, ये देखिए 0, रिकनसाइल कर लीजिए। अब आपको चाहिए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, तो एक्सपेंडिचर वेरियंस के लिए SR इंटू BH करना पड़ता है, तो BH कहाँ से आएगा, BH आएगा बेटा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था BH नीचे यहाँ पे यूज़ किए थे, SH पर यूनिट को बजेटेड आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 7500 इज 15,000, और अब फॉर्मूला अप्लाई करिए सर, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए बेटा, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूले में SR दैट इज 100 इंटू BH दैट इज 15,000 माइनस 15,60,000 करेंगे तो 60,000 एडवर्स ही तो आएगा। उसके बाद अगला फॉर्मूला होता है वॉल्यूम वेरिएंस, तो वॉल्यूम वेरिएंस में SH और BH का डिफरेंस लेते हैं और बाहर SR रखते हैं, तो SH आपको अभी अभी सिखाया, SH 15,600 आया था और BH 15,000 है, तो 15,600 माइनस 15,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट 100 करेंगे तो ये 60,000 फेवरेबल आ जाएगा आपका, 60,000 फेवरेबल। अब उसके नीचे जाएंगे एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने, तो SR इंटू SH माइनस AH करना पड़ता है, तो एफिशिएंसी में 100 इंटू 15,600 और जो एक्चुअल आवर्स है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,000, ये देखिए, तो 16,000 से माइनस करके मल्टीप्लाई किए 40,000 एडवर्स आ रहा है, और फिर उसके बाद चूंकि इसमें डेज का डेटा नहीं है तो डायरेक्ट कैपेसिटी वेरिएंस निकलेगा, कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला SR इंटू AH माइनस BH, यानी 16,000 माइनस 15,000 इंटू 100, तो 1,000 इंटू 100 विल गिव यू 1 लाख फेवरेबल, दिस इज इट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं जल्दी से आपको एक डेज वाला भी क्वेश्चन सिखा देता हूँ। एक कंपनी हैज़ अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 मशीन्स, नॉर्मल कैपेसिटी मतलब ये जो डेटा होगा वो बजटेड होगा, 120 मशीन्स वर्किंग 8 आवर्स अ डे। देखो बेटा अगर 120 मशीन्स 8 आवर्स काम करेगी ना
तो 120 इंटू 8 करना पड़ेगा आपको, दिस विल गिव यू 960 आवर्स पर डे, 960 मशीन आवर्स पर डे फॉर 25 डेज इन अ मंथ। तो अगर आपको पूरे मंथ का बजेटेड आवर्स निकालना है तो इसी 960 को फिर 25 आवर्स से भी 25 डेज से भी मल्टीप्लाई कर दे। तो ये 960 आवर्स पर डे है इंटू 25 डेज करेंगे ना, तो बेटा टोटल बजेटेड आवर्स आ जाएगा आपका 24,000 BH। इसके आगे द फिक्स्ड ओवरहेड आर बजेटेड एट 1,44,000 पर मंथ। तो ये बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड हो गया बेटा 1,44,000 रुपीज़। आप स्मार्ट हो बेटा, बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन बजेटेड आवर्स करेंगे तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर आ जाएगा। तो 1,44,000 अपॉन 24,000 विल गिव यू 6 रुपीज़ पर आवर, 6 रुपीज़ पर आवर। द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस वन यूनिट इज 4 आवर्स, सो दिस इज स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट 4 आवर्स। अगर मैं 4 आवर्स को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करूँ तो आप जानते हो टोटल ऐसे जा सकता है। तो इन अप्रैल 21 द कंपनी प्रोड्यूस्ड 5,305 यूनिट, तो टोटल एसएच आ सकता है बेटा, देखते रहिए, 4 आवर इंटू 5,305 करके, तो 4 आवर इंटू 5,305 विल गिव यू 21,220, दिस विल बी योर एसएच। ओके सर, एंड इन अप्रैल 21 द कंपनी वर्क फॉर 24 डेज एंड 840 मशीन आवर्स पर डे। तो 840 मशीन आवर्स पर डे काम हुआ और इंटू 24 डेज, तो 840 इंटू 24 विल गिव यू 20,160, दैट विल बिकम ए एच। 24 इंटू 840 दैट विल गिव यू 20,160। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का बेटा फिगर देखो सामने दिया हुआ है 1,42,000। तो पूरा डेटा इकट्ठा हो गया क्वेश्चन के लिए, एस आर आ गया है, ये देखिए एस आर आ गया है, एस एच आ गया है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है, बजेटेड आवर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये वाला एक चीज बस मुझे न्यू सिखानी है आपको कि रिवाइज्ड बजेटेड आवर्स कैसे आता है। रिवाइज्ड बजेटेड आवर्स कैलेंडर वाले में काम आएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है जो ओरिजिनल बजेटेड आवर्स होते हैं ना उसको बजेटेड डेज से डिवाइड करते हैं और एक्चुअल डेज से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल गिव यू रिवाइज्ड बजेटेड आवर्स। तो इस क्वेश्चन में मैं सारा का सारा समझाऊंगा। सबसे पहले निकालेंगे सर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये रहा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस आर इंटू एस एच माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो बेटा आपको याद होगा अपना स्टैंडर्ड रेट पर आवर 24 आया था और स्टैंडर्ड आवर्स आपको जो मैं समझाया उसमें आप देखे होंगे कि ये देखिए एस आर इंटू एस एच, एस आर सॉरी 24 नहीं आया था, 6 रुपीज़ आया था एस आर, और इंटू एस एच 21,220 आया था। तो 6 इंटू 21,220 माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना इंकर हुआ है बेटा, ये देखिए क्वेश्चन में 1,42,000। तो इसको इससे माइनस कर दीजिए फटाफट और बताइए कितना आ रहा है, 6 इंटू 21,220 माइनस 1,42,000, दिस इज कमिंग एट 14,680 एडवर्स। इन लोग ने दूसरी अप्रोच से बनाया है। फिर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के बाद कौन सा निकालते हैं बेटा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का अपना कौन सा फॉर्मूला है, एस आर इंटू बी एच माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, राइट। तो एस आर अपना 6 रुपीज़ है, बजेटेड आवर्स आप ओरिजिनल देखिए मैं निकाल के दिया हूँ आपको 24,000 आवर्स। तो 6 इंटू 24,000 माइनस 1,42,000 दिस विल गिव यू 2,000 फेवरेबल। देखो बुक वाले से रिकनसाइल हो रहा है पर अपना फॉर्मूला अलग है। इसके बाद अपन निकालते हैं एफिशिएंसी एक्सपेंडिचर के बाद वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला है अपना एस आर इंटू एस एच माइनस बी एच। तो इस हिसाब से 6 इंटू SH वॉज 21,220 माइनस बी एच वॉज 24,000 आवर्स, दिस द आंसर विल कम एट 16,680 एडवर्स। जस्ट चेक इट आउट, पक्का आएगा। अब बेटा थोड़ा याद कीजिए, ये फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। अगर क्वेश्चन में
डेज वाला डिटेल दिया रहता है, तो ये फॉर्मूला लगाना है अपने को। जो तीन सब वेरिएंट्स निकलेंगे ना वॉल्यूम के अंदर, वो ये निकलेंगे। एफिशिएंसी के लिए एस आर इंटू एस एच माइनस ए एच करेंगे, तो ये देखिए एफिशिएंसी निकलवा रहा हूँ, ये एस आर इंटू एस एच माइनस ए एच, एस आर इंटू एस एच माइनस ए एच करेंगे तो एस आर 6 है, एस एच 21220 है, और ए एच दोस्तों क्वेश्चन में ये 20160 दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, सॉरी दिया नहीं हुआ है, अपन ने निकाला था, तो 20160, सॉरी 20160, 1 2 मिनट्स बस रुको ना, तुम यहीं रुको। एस एच माइनस एच, तो ये हो गया एफिशिएंसी वेरिएंस। इसके बाद कैपेसिटी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है बेटा, एस आर इंटू ए एच माइनस आर बी एच। तो कैपेसिटी वेरिएंस आपको क्वेश्चन के थ्रू करवा रहा हूँ मैं, कैपेसिटी वेरिएंस एस आर इंटू एस एच माइनस आर बी एच। अब एस आर तो आप जानते हो 6 है, एस एच भी जानते हो 21220 है, अब ये आर बी एच कैसे निकलेगा, जो बी एच है ना बेटा 24,000, उसको बजेटेड नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे। बजेटेड नंबर ऑफ डेज कितने हैं, जो ओरिजिनल बजट लेके चल रहे थे वो 25 डेज थे, एक्चुअल में काम हुआ 24 डेज, तो डिवाइड करेंगे 25 डेज से, मल्टीप्लाई करेंगे 24 डेज से, तो 24,000 अपॉन 25 इंटू 24, 23040 आ रहा है सर, तो 23040 से मल्टीप्लाई, मतलब ये आर बी एच आया, तो अब आपको 21220 के बाद आर बी एच की जगह फिगर डालना है 23040, तो 21220 माइनस 23040 इंटू स्टैंडर्ड रेट 6 विल गिव यू 1 सर, एक हल्की सी गलती कर दी है, फॉर्मूला एस एच माइनस ए एच नहीं है, आर बी एच नहीं है, फॉर्मूला है बेटा ए एच माइनस आर बी एच, ए एच माइनस आर बी एच, नॉट एस एच माइनस आर बी एच, ए एच माइनस आर बी एच। तो ए एच वॉज 20160, देन 20160 माइनस 23040 इंटू 6, दैट विल गिव यू 17280 एडवर्स, यानी कि ये। इसके बाद कौन सा वेरिएंस निकालना है बेटा, कैपेसिटी के बाद कैलेंडर, कैलेंडर का फॉर्मूला है एस आर इंटू आर बी एच माइनस बी एच, एस आर इंटू आर बी एच माइनस बी एच, तो कैलेंडर में एस आर इंटू आर बी एच माइनस बी एच, तो 6 रुपीज़ इंटू 23040 माइनस बजेटेड आवर्स वॉज 24,000 आवर्स, तो 23040 माइनस 24,000 आवर्स इंटू 6, दिस इज गिविंग यू 5760 एडवर्स। सो दीज आर द इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस, आई डोंट क्लेम दैट ऑल द कंसेप्ट्स एंड ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व, बट आई हैव टच्ड अपॉन ईच एंड एवरी वेरियंस थ्रू दिस रिविजन वीडियोज। इन दिस 2 आवर्स ऑफ रिविजन वीडियो यू आर एबल टू रिकॉल ऑल द क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स, आई जस्ट होप दैट, एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड। थैंक यू।